और एक बात आपको बता देते हैं, पप्पू इतना बुरा नाम नहीं होता है। हर तीसरे चौथे घर में किसी न किसी का नाम पप्पू होता है, बहुत प्यारा नाम होता है। 14 तारीख को जो है आई लव यू किसी और को बोले थे, अच्छी जो है उसकी सहेली लग रही थी। डायलमा है, आपने ऐसा किया? नहीं, मैं ऑर्डिनरी सिटीजन की हालत बता रहा हूँ। शादी वादी का रहने दीजिए, क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो ये आप प्रधानमंत्री से प्रभावित हैं इस बात पे? मैंने प्रधानमंत्री को देख करके, मैं तो उनके विरोध में जो है शादी कर लूँ। आज आप 5 साल बाद फिर हमसे वोट मांगने आए हैं कि पंजाब आपको फिर से भरोसा दे, क्यों दे? हम प्रधानमंत्री जी को आप बोलते हुए सुने किसी भी सवाल पे? 750 किसानों की शहादत हुई भाई साहब, कोई बोला? आप कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। सबसे पहले पंजाब की कांग्रेस सरकार ने उन किसानों को शहीद माना। जिस कन्हैया को हमने जाना, जिसको हमने पहचाना, जिसने आजादी की बात करी थी, आजाद था, आज एक पॉलिटिकल सेटअप में सियासी पार्टी का हिस्सा बन गया है। तो जाके पैर न फटे भी भाई, वो का जाने पीठ पड़ाई। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के आम आदमी हैं। आम आदमी का जीवन उन्होंने जिया है, उसका दर्द, उसका अनुभव उनको पता है। इसीलिए हम ये दावा कर रहे हैं कि ये जो बदलाव है, ये बदलाव एक शुरुआत है। आप चाहे बोले कि आप 111 दिन की सरकार के लिए वोट मांग रहे हैं, पर लोग 5 साल का जवाब मांगते हैं। 5 लाख लोग हर साल इस देश में इंजीनियर होते हैं भाई साहब, और टोटल रोजगार 1,35,000 रोजगार आप देता है। टैक्स लेंगे बिटकॉइन पे, इसका ये मतलब नहीं है कि ये लीगल हो गया है। तो कल को गांजा पे भी टैक्स लीजिए, तो कह दीजिए टैक्स लेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लीगल हो गया है। जीतते कैसे हैं अगर देश सीरियसली नहीं ले रहा तो? जीतते हैं जो सवाल आपने पूछा था, हिजाब, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद। आपको लगता है कांग्रेस सच्ची है? क्रिकेट, सिनेमा और कांग्रेस, इसके एक्सपर्ट आपको बिन बुलाए ही मिल जाएंगे। मुझे तो डर था जिस दिन वो टेलीप्रॉम्प्टर वाला कांड हुआ था ना मोदी जी का, ठीक है ना, वो ये ना कह दें कि जो है नेहरू जी जो है हैक कर लिए थे हमारा सॉफ्टवेयर में वायरस, कुछ भी बोल देते हैं। गांधी के खिलाफ जो है वो खुलकर पोजीशन नहीं ले सकते हैं, और गोडसे उनकी चाहत है, उनकी हसरत है, तो उनको जब भी मौका मिलता है वो अपना मजबूरी छोड़ करके अपनी हसरत जो है वो जाहिर करना शुरू कर देते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि मोदी को जो है ना मोदी के तरीके से हराया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। चरणजीत चन्नी एक दलित भी हैं, पर ये उनको उनकी हकीकत है, क्यों आज कांग्रेस इस शब्द को इस्तेमाल करने से डरती है, घबराती क्यों है? नहीं नहीं, देखिए कांग्रेस डरती घबराती ऐसा नहीं है, कांग्रेस इस सवाल को ना बेचना नहीं चाहती। आपने कहा ना कि आपने ट्रैक्टर क्यों चुना, क्योंकि प्रधानमंत्री ने देश के लोगों के टैक्स के पैसे से 8,500 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीदा है। ये लड़ाई सीधे सीधे जो है बेचने और बचाने वालों की लड़ाई पर। आपका मंच है, आप जितना सवाल चाहें पूछें। ठीक, देखिए हम प्रधानमंत्री नहीं कि आपको प्रश्न पत्र लिख करके दे दिए हैं, तो आपको जो मन है पूछना पूछिए। आप बोलते इतना अच्छा है सुन के, अच्छा लगता है। बोलते हैं नहीं, सच्चाई हमेशा अच्छी लगती है। अच्छा तो जो है भगवंत मान साहब ही बोलते हैं, मैं उनका जो है पॉलिटिकल सटायर सुनता था। कांग्रेस ये जिम्मेदारी लेती है कि वो हाजिर रहे, कि हाईकमांड हाजिर रहेगा कि कांग्रेस के जो आगू हैं वो सही तरह लोगों की उम्मीदों पे परफॉर्म करें। हम बोले अरे भाई साहब धोखा हो गया, ये बिल्कुल वही धोखा है जो किसी मॉल के कपड़े के दुकान के बाहर जो है लिखा रहता है सेल अप टू 70% ऑफ, कुछ नहीं मिलता है उसमें, बस वह स्टिकर पे होता है 70% ऑफ, मिलता कुछ नहीं है। खुशी जो है ना वो दुख में तब्दील, दिल टूट गया कि भाई तो ठग लिया ये आदमी। पर उनको ये फिक्र था कि दूसरा कोई लड़कियां हिजाब पहन के क्यों आ रही हैं, उनको इतनी तकलीफ हुई। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि आज नौजवान अपने फ्यूचर के बारे चिंतित नहीं है, उनको नौकरी के बारे चिंता नहीं है, वो जो जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो टॉलरेंस तो नौजवानों में नहीं रही, अब तो ये भी नहीं कह सकते आगू कर रहे हैं। जिसको संविधान कहते हैं उसकी पहली लाइन, प्रस्तावना की पहली लाइन क्या कहता है, हम भारत के लोग, जिसमें जो है एक्चुअल में सबका साथ सबका विकास का बात है। एक्चुअली वो ऑलरेडी तय था, इसमें नया क्या था? नया ये था जो टीवी करता है, जो मार्केट करता है। आज़ादी किसको नहीं चाहिए, कौन आज़ाद नहीं होना चाहता है,
कौन आजादी नहीं मांग रहा है। टैक्स हर कोई भर रहा है, लेकिन फायदा कुछ लोगों को मिला। नारा देश का, भलाई दोस्त का। कैसे? मुनाफा होगा तो कंपनी का, घाटा होगा तो जनता। मैं राजनीति में था अपनी समझदारी विकसित होने से पहले। मैं राजनीति में हूं अपनी समझदारी के साथ। मुझे आजादी देश से नहीं, देश में चाहिए। आजादी आजादी लेके रहेंगे, ये लाइनें हम सबके दिल को छू गई थी। और आज रोजाना स्पोक्समैन के दरबारे सियासत में कन्हैया कुमार हैं और आजादी की बात करेंगे। हमारे साथ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस कन्हैया को हमने जाना, जिसको हमने पहचाना, जिसने आज़ादी की बात करी थी, आज़ाद था, आज एक पॉलिटिकल सेटअप में सियासी पार्टी का हिस्सा बन गया है। कुछ बदलाव आया? मेरे ख्याल से सबसे पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ और साथ ही साथ आपका और आपके चैनल का और आपके सारे दर्शक जो इसको देखते हैं, इसको सुनते हैं, इसके आधार पर अपना एक पॉलिटिकल ओपिनियन बनाते हैं, सबको मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपको भी धन्यवाद और सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ, उनको सस्त्रेकाल करता हूँ। डिस्क्लेमर ये है कि मुझे पंजाबी नहीं आती है, मतलब बोलना नहीं आता है और पढ़ना नहीं आता है, सुन करके समझ में आ जाती है। क्योंकि हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो पंजाबियत जो होती है उससे काफ़ी रूबरू होते रहते हैं, और ख़ास करके जो पंजाब के बड़े बड़े आर्टिस्ट रहे हैं हिंदी सिनेमा में और कई मशहूर गाने रहे हैं, ये जो है इस यहाँ से कई खूबसूरत नज्म जो है लोगों ने लिखा है, जो आज भी मतलब प्रेम का, क्रांति का, इनकलाब का, और नौजवान होने के चलते हम लोग सबसे ज़्यादा जिनको रोमेंटिसाइज करते हैं, शहीद आजम भगत सिंह का, उनकी धरती है। तो पंजाबी से एक रिश्ता तो है, लेकिन पढ़ना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है, समझ में आती है। तो मैं डिस्क्लेमर ये इसलिए दे रहा हूँ कि मेरा कोई दावा नहीं है कि मैं पंजाब को समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि किसी को भी ये दावा नहीं करना चाहिए। हमारा देश इतना बड़ा है कि किसी एक इलाके में पैदा हुआ इंसान, किसी एक इलाके में पला बढ़ा इंसान, और जितनी हमारी स्कूली और कॉलेज का एजुकेशन होता है, यूनिवर्सिटी का, वो हमारे इस विशाल देश के इतिहास को, कल्चर को पूरी तरह से समझने का दावा नहीं कर सकता है। वो तो हम किसी चीज़ को समझ नहीं सकते। जो कहता है मैं समझता है, वो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ होता है शायद। जब तक कोशिश जा रही है तब तक। या हम इस पर चर्चा करेंगे। तो मेरा कोई दावा नहीं है, मेरा अपना जो व्यक्तिगत अनुभव है। अंग्रेजी का एक फ्रेज है कि देर इज नथिंग बिफोर एक्सपीरियंस। तो हमने जो अनुभव किया है अपनी पढ़ाई लिखाई के माध्यम से, और एजुकेशन को लेकर के हम हमेशा ये बात कहते हैं कि एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप लर्निंग और अनलर्निंग साथ साथ करते हैं। तो उसमें जो मेरी समझदारी में वो बात मैं आपके सामने रखूँगा। आपने जो पहला सवाल पूछा कि आज़ादी की बात करने वाला एक नौजवान आज जो है एक सियासी पार्टी का हिस्सा हो गया है, मैं समझता हूँ कि ये समझदारी अपने आप में बड़ी चिंताजनक है। जब मैं भी कॉलेज आया था तो ये कहा जाता था कि विद्यार्थियों को राजनीति से क्या लेना देना है, और समझ में नहीं आती थी कि इसके पीछे की राजनीति क्या है। और जब मैं स्टूडेंट मूवमेंट का हिस्सा था तो अक्सर मैं अपने सारे दोस्तों को कहता था कि आप जो भी अपने आसपास अपने इर्द गिर्द होते हुए देखते हैं, हर चीज में राजनीति है। यहाँ तक कि मिस वर्ल्ड कौन होगी, मिस यूनिवर्स कौन होगा, इसमें भी राजनीति है। और कुछ दिनों के बाद हम देखते थे कि कैसे वो जो है ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने लगती थी। कोई अगर क्रिकेटर है तो वो क्यों किसी उत्पाद का प्रचार करने लगता है। हम कोई सिनेमा देखते हैं तो उसके पीछे की क्या राजनीति है। ए पॉलिटिकल होना या ए पॉलिटिकल हम हैं, ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। तो मैं समझता हूँ कि आप कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली एक राजनीतिक वातावरण में पैदा लेते हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप जब अपनी माँ के पेट में होते हैं ना,
तभी आपका भविष्य जो है राजनीति तय करना शुरू कर देती है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, मुझे याद है वो बचपन की बात कि सबको पोलियो का टीका नहीं दिया जाता था, जो लोग खरीद सकते थे उनको पोलियो का टीका दिया जाता था, फिर सबको पोलियो का टीका दिया जाने लगा। आप समझ रहे हैं, पैदा होने से पहले ही अब जो गर्भवती महिला है उसको क्या खाना मिल रहा है, और उसको जो खाना मिलेगा उसी का असर जो है उसके बच्चे पे पड़ेगा। तो आपके पैदा होने से पहले ही आपकी राजनीति शुरू हो जाती है, और जब आप पैदा होते हैं तो आपके माँ बाप की जो आइडेंटिटी है वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, उनका रिलीजन, उनका कास्ट, उनका जो है जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो उसका हिस्सा बन जाता है। तो पैदा होने से पहले राजनीति शुरू हो जाती है, और जब हम पैदा हो जाते हैं, पलने बढ़ने लगते हैं, समाज से हमारा एक इंटरेक्शन होने लगता है, तब ये बात बार बार बताई जाती है कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं राजनीति में था अपनी समझदारी विकसित होने से पहले, मैं राजनीति में हूँ अपनी समझदारी के साथ, और मैं समझता हूँ कि इस देश के हर एक नागरिक को इस राजनीतिक जिम्मेदारी को समझना चाहिए। आपने जो ये जिम्मेदारी ये त्यौहार में सीखी, आपने जो ये सवाल कहा ना कि देश से नहीं देश में, इसमें भी एक राजनीति है। ये से और में का फर्क इतना आसान नहीं है। आजादी तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं, आप दिल्ली चले जाइए, दिल्ली में भाजपा भी आजादी के पोस्टर लगा रही है, बढ़े हुए बिजली बिल से आजादी। आजादी किसको नहीं चाहिए, कौन आजाद नहीं होना चाहता है, कौन आजादी नहीं मांग रहा है, लेकिन उनको किस चीज से आजादी चाहिए। से और में का फर्क बहुत गहरा है, और यही हमारी राजनीति है। हम जितनी भी बात करते हैं उसमें इस देश का आम इंसान शामिल है, और उस आम इंसान के जीवन की जो आम समस्याएं हैं, भूख, रोजी रोटी, रोजगार, गरीबी, असमानता, किसी भी प्रकार का, चाहे वो जाति के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, भाषा के आधार पे हो, बोली के आधार पे हो, संस्कृति के आधार पे हो, इस तरह के शोषण से मुक्ति, इसी यही से और में का फर्क है। और जो ये से और में का फर्क नहीं समझते हैं वो अक्सर किसी और की बंदूक बिना समझदारी का अपने कंधे पे लेकर के घूम रहे होते हैं। आप मुझे बताइए हमारा देश किन किन परिस्थितियों से गुजरा है। एक तरफ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिल करके जो है ब्रिटिशर्स से लड़ रहे थे। जब आज़ादी की बात आई, आज़ादी मिलने वाली थी, तो क्या बहस शुरू हो गया। और ये तो पंजाब का इलाका है, यहाँ के लोगों ने खून बहते हुए देखा है अपनों का। क्या आधार था, धर्म? चलिए, धर्म के आधार पे देश बन गया, हमने उस आधार पे देश नहीं बनाया। हमने कहा कि इंसान को हम धर्म के आधार पे नहीं बांटेंगे। हमने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसको संविधान कहते हैं, उसकी पहली लाइन, प्रस्तावना की पहली लाइन क्या कहता है, हम भारत के लोग, जिसमें जो है एक्चुअल में सबका साथ सबका विकास का बात है। एक्चुअली वो ऑलरेडी तय था, इसमें नया क्या था। नया ये था जो टीवी करता है, जो मार्केट करता है, कि दिखाना कुछ और है, बेचना कुछ और है। किसी को आप सुंदर होते हुए देखें ब्यूटी प्रोडक्ट लगा करके, धोखा दे सकते हैं, सच्चाई नहीं बदल सकते हैं। कोई फेयर एंड लवली लगा करके गोरा नहीं होता है, ये झूठ है। ये झूठ बेचने के लिए आज क्या किया जा रहा है, सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा रही है। उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के इतर बगल में भी एक देश बना। आपको पता है इस देश की या किसी भी दुनिया की किसी भी देश की क्या हालत है, नोट सेकुलर है। रोड पे नोट फेंक दीजिए, 3 घंटा इंतजार कीजिए, नोट उठाने से पहले कोई उसका ना जात पूछेगा ना धर्म पूछेगा। कोरोना सेकुलर है, किसी से जात और धर्म नहीं पूछा, जो संपर्क में आया उसको जो है संक्रमित किया। गरीबी सेकुलर है, महंगाई सेकुलर है, प्रॉब्लम सेकुलर है, सॉल्यूशन कम्युनल दे रहे हैं। ये जो देश के अंदर परिस्थिति पैदा की गई है उससे हम मुक्ति चाहते हैं। ये हमारा कल्चरल और सोशल क्वेश्चन है। इकोनॉमिक क्वेश्चन ये है कि कौन टैक्स नहीं भरता है। आप भी टैक्स भरते हैं, हम भी टैक्स भरते हैं। हमने अगर ये स्वेटर खरीदा है तो हमने टैक्स भरा है, टैक्स हर कोई भर रहा है, लेकिन फायदा कुछ लोगों को मिलेगा। नारा देश का, भलाई दोस्त का, कैसे? मुनाफा होगा तो कंपनी का, घाटा होगा तो जनता का। ये कैसे चलेगा? अंग्रेजी में इसको कहते हैं
privatization of profit and socialization of loss. अब क्या कह रहे हैं आप कि पब्लिक सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रही है तो पब्लिक सेक्टर को खत्म कर देना चाहिए. पब्लिक सेक्टर खत्म कर दीजिएगा किसको नुकसान होगा और ये उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन है कि नहीं है जो स्टेट सिटीजन के साथ करती है, आम नागरिक के साथ. आपको सरकार भरोसा ही देती है ना. हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं किस भरोसे से बैठे हुए कि अगर कोई चीज होगी जिसमें कानून का उल्लंघन होगा तो सरकार हमको सुरक्षा देगी. हम बदले में सरकार को क्या देते हैं? हम बदले में सरकार को टैक्स देते हैं. तो आप हमसे टैक्स ले रहे हैं लेकिन आप हमको बदले में जो है सुरक्षा नहीं दे रहे हैं. आप बदले में हमको पढ़ाई नहीं दे रहे हैं. आप बदले में हमको रोजगार नहीं दे रहे हैं. तो आप बेईमानी कर रहे हैं ना. इस बेईमानी पे जो है हम सवाल उठाते हैं. और मेरा मानना है कि जो भी आज़ाद ख्याल के लोग हैं वो मुक्त कंठ से आज़ादी की बात करेंगे और जिनको गुलामी सुहाती है वही आज़ादी के विरोध में बोलेंगे. और फिर दोहराता हूँ, देश में देश के लोगों की जो समस्याएं हैं उससे आज़ादी चाहते हैं. और हमारा सियासी सफर कुछ भी रहा हो सैद्धांतिक बदलाव नहीं है. सैद्धांतिक बदलाव इसलिए नहीं है कि जो लड़ाई लड़ रहे थे तब भी हम एक पार्टी में थे, वही लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इसको बड़े फोर्स के साथ लड़ा जाए. मैं इसी सवाल पे आती हूँ. जैसे मैं किसान का एक उदाहरण देके अपनी बात खत्म करूंगा. किसान पहले बैल से खेती करते थे, अब बड़े बड़े ट्रैक्टर से करते हैं. बस यूं ही समझ लीजिए, किसान खेती ही करता है, आंदोलनकारी आंदोलन ही करता है जनता के सवालों को लेकर के, इसमें कोई परिवर्तन नहीं. चलो आप, मैं इसी पे आती हूँ. आपने जो ट्रैक्टर चुना है जिसको जिसके राह आप अपनी क्रांतिकारी करना चाहते हैं वो क्यों चुना? बिकॉज आपका मैं पढ़ रही थी तो आपने कहा मैं राहुल गांधी को काफ़ी बारी मुझे लगा मिला और मुझे लगा कि ये मेरे लिए सही है. आज हम देख रहे हैं नौजवान खासकर के पंजाब में वो आपकी तरफ जा रहे हैं, वो सोचते हैं अरविंद केजरीवाल से बदलाव लाते हैं. राहुल गांधी पे एक पप्पू का नाम लगा हुआ है जो उतारना बड़ा मुश्किल है. तो आपको क्यों लगा कि ये ट्रैक्टर आपकी सवारी के लिए बिल्कुल सही है? एक तो इसको उतारने की क्या जरूरत है मुझे बताइए. अगर आपको सच पे भरोसा है तो ये जो यहाँ पे गमला रखा हुआ है ना, आप कहिए कमला है कमला है कमला है, तो गमला कमला हो जाएगी क्या? ये गमला ही रहेगा. सच पे आप टिके रहिए ना. और एक बात आपको बता देते हैं, पप्पू इतना बुरा नाम नहीं होता है. अब मैं बिहार से आता हूँ, आप उत्तर प्रदेश जाइए, हर तीसरे चौथे घर में किसी न किसी का नाम पप्पू होता है. बहुत प्यारा नाम होता है, मासूमियत होती है उसमें, एक जो है सच्चाई होती है, एक सौम्यता होती है. इससे दिक्कत नहीं है, दिक्कत झूठ से है. आपने कहा ना कि आपने ट्रैक्टर क्यों चुना, क्योंकि प्रधानमंत्री ने देश के लोगों के टैक्स के पैसे से 8,500 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीदा है. ये लड़ाई सीधे सीधे जो है बेचने और बचाने वालों की लड़ाई बन गई है. सो आप लगता है कांग्रेस सच्ची है? कांग्रेस को लेकर के मैं समझता हूँ कि इस देश में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं. और इसको मैं इस रूप से कहता हूँ कि इस देश के किसी भी चौराहे पे चले जाइए, क्रिकेट सिनेमा और कांग्रेस, इसके एक्सपर्ट आपको बिन बुलाए ही मिल जाएंगे कहीं भी. पता है क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में रचा बसा है, ये हमारे जीवन का पार्ट है, ये हमारे इंटीग्रल हिस्ट्री का हिस्सा है. इस देश का इतिहास कांग्रेस के बिना कंप्लीट नहीं होता है. और कोई भी सभ्यता अपने इतिहास को भुला करके अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर पाती है. मैं बार बार कहता हूँ कि कांग्रेस महज पार्टी नहीं है, कांग्रेस हमारे समाज की प्रवृत्ति भी है. और इसको मैं इस रूप में कहता हूँ कि दर्द का एक रिश्ता होता है. क्यों मुझे कांग्रेस पार्टी पे इतना भरोसा है और मैं बाकी नौजवानों को भी क्यों कहता हूँ कि आप इस पे भरोसा कीजिए. कांग्रेस का स्वभाव बिल्कुल पानी की तरह है, जिस बर्तन में आप रख दीजिएगा उसका आकार ले लेगा, जो रंग मिला दीजिएगा उसका आकार ले लेगा. ये आपकी और हमारी जरूरत है, कांग्रेस की जरूरत नहीं है कि आप और हम कांग्रेस में हों. आप और हम जैसे होंगे वैसी कांग्रेस होगी. कांग्रेस जो है ये एओ ह्यूम वाली कांग्रेस नहीं है, इसकी कई यात्रा रही है, इसके कई स्टेज रहे हैं. और आज हम ये देख रहे हैं बिल्कुल साफ साफ अपनी आंखों से कि कोई भी मेन स्ट्रीम लीडर सच्चाई बोलने को तैयार नहीं है. राहुल गांधी सच बोल रहे हैं,
हिम्मत से। लोगों को पता है कि ये बोलने से जो है इलेक्टोरल नुकसान हो सकता है, क्योंकि हर कोई जो है धर्म के पाले में खेलना चाहता है, हम इंसानियत की बात को छोड़ना नहीं चाहते हैं। आज जब जोर जोर से जो है हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, तो हम हिंदी फिल्म का वो गाना बार बार दोहराना चाहते हैं, तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये भारत को महान बनाता है, ये भारत की हिस्ट्री है, ये भारत की विरासत है, जिसको हम कहते हैं कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है, भारत का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम डाइवर्सिटी की भी जो है यूनिटी की बात करते हैं, और यूनिटी में भी डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। हर किसी की आवाज छुप ना जाए, दब ना जाए, छूट ना जाए, उसको बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस नेतृत्व के साथ अगर हमारा लड़ाई का एक जो है इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है कि जैसा भारत हम चाहते हैं और जिस भारत को लेकर के वो अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं उसमें समानता है, तो फोर्स को आपस में टकराने की क्या जरूरत है, उनको साथ आना चाहिए। मैं नौजवान होने के लिहाज से, एक ऑर्डिनरी यूथ होने के लिहाज से आपको बोल रहा हूं, और किसी भी यूथ को ये सोचना चाहिए, आज जिस तरीके से प्रोडक्शन सिस्टम बदल रहा है, मैं आ रहा था रास्ते में सड़क बन रही थी, ह्यूमन लेबर लगातार कम हो रहे हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बैल से वो खेती नहीं होती है, अब जो है ट्रैक्टर से खेती होती है, तो ह्यूमन लेबर कम होगा। दूसरी तरफ हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, तो उसको रोजी रोटी, कपड़ा मकान, शिक्षा स्वास्थ्य सड़क बिजली ये देना जरूरी है। ये अगर नहीं देंगे तो शांति भी नहीं होगी। हमारे यहाँ एक राष्ट्रवादी कवि दिनकर जी, वो कहते थे शांति नहीं तब तक जब तक सुखभाग न नरका सम होगा। जब तक आप बेसिक चीजें लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो समाज में शांति नहीं रहेगी, अराजकता रहेगी। लेकिन आप देख लीजिए कि क्या किस तरीके की परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं। देश का ग्रोथ रेट माइनस में चला गया और मोदी जी का दोस्त का ग्रोथ रेट जो है वो एकदम स्काई रॉकेट की तरह ऊपर चला गया है। वो ट्रिकल डाउन थ्योरी पे बिलीव करते हैं कि ऊपर से पैसा नीचे को आएगा, कहां आ रहा है, यही तो देखने की बात है। यही सवाल हम उठा रहे हैं कि अगर आप रोजगार नहीं दे सकते हैं, 5 दशक में अगर देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, तो जो टैक्स आप कलेक्ट कर रहे हैं उसकी प्रायोरिटी क्या होगी। उसकी प्रायोरिटी आपके आपका 8,500 करोड़ का हवाई जहाज और 15 करोड़ का कार नहीं होना चाहिए, और जो है 10 लाख का चश्मा नहीं होना चाहिए, 20 लाख का सूट नहीं होना चाहिए। उसकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप न्याय जैसी योजना को लागू करें कि इस देश के जो नौजवान हैं, और स्किल की कमी है क्या, 5 लाख लोग हर साल इस देश में इंजीनियर होते हैं भाई साहब, और टोटल रोजगार 1,35,000 रोजगार आप पैदा कर रहे हैं। यह भी मैं आपको 3 साल पहले का आंकड़ा दे रहा हूं, क्योंकि सरकार ने अब साफ साफ कह दिया कि वो तो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के कोई डेटा ही नहीं देगी, तो ना बेरोजगारी की संख्या बताएंगे, ना बेरोजगारी से बाहर निकालने के लिए देश को कोई योजना बताएंगे। करना क्या है, करना यह है कि समाज को जाति और धर्म के बीच में जो है उलझा करके रखना है, ताकि रोजी रोटी, कपड़ा मकान जैसे सवाल जो है वो नजरअंदाज किए जा सके। कन्हैया, जैसे आप बात कर रहे हैं बेरोजगारी की, इस माहौल में अगर हम कर्नाटका में देखें, मुझे वो देख के बड़ा अजीब लगा कि जो बच्चे इस वक्त, उनको अपने करियर की टेंशन होनी चाहिए, पॉलिटिकल हम हैं, पर उनको ये फिक्र था कि दूसरा कोई लड़कियां हिजाब पहन के क्यों आ रही हैं, उनको इतनी तकलीफ हुई। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि आज नौजवान अपने फ्यूचर के बारे चिंतित नहीं है, उनको नौकरी के बारे चिंता नहीं है, वो जो जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं वो टॉलरेंस तो नौजवानों में नहीं रही, अब तो ये भी नहीं कह सकते आगू कर रहे हैं, अब तो ये कह रहे हैं कि हम आम एक विद्यार्थी, कॉलेज जाता विद्यार्थी, उसमें इतनी टॉलरेंस रही नहीं। देखिए क्या होता है ना कि ये ना एक फैशन है कि समाज की किसी भी समस्या के लिए नौजवानों के जो है मत्थे चीज़ों को मर देना। हम आप ही से सीखते हैं, नौजवान जिस समाज में पैदा होता है उस समाज में चीज़ें हो रही होती हैं, जो घट रही होती हैं वही चीज़ें वो ग्रहण करता है, उसी चीज़ को वो सीखता है, उसी चीज़ को वो इम्प्लीमेंट करता है। हमको ये देखना पड़ेगा कि जो सरकार बोलती है और जो सरकार करती है उसमें गैप कहाँ है, जो नीति की घोषणा होती है और उसके पीछे की जो नीयत है वो हमको समझना पड़ेगा। और मैं इसका अंतर विरोध आपको बताता हूँ। RSS के नेता कहेंगे कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए,
और प्रधानमंत्री जो आरएसएस की शाखा में गए हैं बचपन से, उनका दावा है वो पता नहीं कब चाय बेचते थे और कब जाके शाखा में डंडा घुमाते थे, वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों के साथ जो अन्याय करने वाले लोग हैं, ठीक है, उनको वो नेता बना करके रखते हैं, उसको मंत्री बना करके रखते हैं। ये है कथनी और करनी में फर्क, ये है नीति और नियत का दोष। नियत अगर साफ होगी ना तो अपने आप चीजें जो है स्वाभाविक तरीके से होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, सिगरेट के पैकेट पे वो गंदा सा जो है ना फोटो बना देने से लोग सिगरेट पीना बंद नहीं करते, उल्टे जो है ना रिवर्स साइकोलॉजी वर्क करती है। इंसान को लगता है कि कितना पिएंगे कि इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे। और मार्केट की जो स्ट्रेटजी होती है कि एक तरफ आप जो है फैशन दिखाएंगे, बोलो जुबां केसरी, अभिनेता आकर के जो है, पहले तो जो है अजय देवगन साहब जो है जुबां केसरी थे, अब तो शाहरुख खान का भी जुबां जो है केसरी हुआ है, ठीक है, दोनों मिल करके बोल रहे हैं और सारा अंतर विरोध यहाँ पे खत्म हो गया है। सारे व्हाट्सएप के जो मैसेज आते हैं हिंदू मुसलमान को लेकर के, उसमें जो है अभिनेताओं को भी प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन प्रोडक्ट बेचने की जब बात आई दोनों साथ खड़े हैं। अब फैशन में जो है नौजवान क्या करेगा, इसको चुनेगा। मेरा कहना है कि किसी भी बात को जबरदस्ती समाज में नहीं लागू की जा सकती है, समझदारी से लागू करवाया जा सकता है। अगर मैं आपको जबरदस्ती कहूं कि आप नहीं ये अटायर मत यूज कीजिए, कोई और अटायर यूज कीजिए, तो आप नहीं कीजिएगा। लेकिन जब आपको मौका मिलेगा, आपको एक्सेसिबिलिटी मिलेगी दुनिया को देखने की, अलग अलग सभ्यता और संस्कृति से रूबरू होने की, तो आपके लिए क्या कंफर्टेबल है इसका चुनाव आप खुद कर सकते हैं। सरकार का उद्देश्य सीधे सीधे मैं आपको बता रहा हूं, वो समाज में किसी चीज को सॉल्यूशन की तरफ ले जाने के लिए नहीं है, उसको उलझाने के लिए है। उलझाती किस लिए है, तो ये टेस्टेड फॉर्मूला है भारत में, और ये टेस्टेड फॉर्मूला जो है वो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले यूज किया था। कैसे, कांग्रेस के नेतृत्व में जब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी तरह के लोग इकट्ठा होने लगे, तो उन्होंने जो है उस वक्त भी एक चाय पर चर्चा की थी, जैसे मोदी जी आजकल करते हैं। तो उस चाय पर चर्चा में उन्होंने कहा कि कैसे इनको लड़ाया जा सकता है, बोला जैसे ये यूनाइट हुए थे धर्म के नाम पे, इनको लड़ाया भी धर्म के नाम पे ही जा सकता है। और आप जानते होंगे ये कहानी बहुत मशहूर है, किसी से भी पूछेंगे बता देगा कि जो है सुअर के मांस मस्जिदों में फिकवा देने हैं, गाय के मांस जो है मंदिरों में फिकवा देना है, फिर जो है हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराना है, धर्म के आधार पे जो है इंसान को लड़वाना है, तो इनकी फोर्स बढ़ जाएगी। और आप ये देख लीजिए कि आजाद होने के बाद भी कितना बड़ा दर्द जो है इतिहास के सीने पे लेकर के हम लोग घूम रहे हैं कि हमारे देश का बंटवारा हो गया धर्म के नाम पर। बार 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 ये देश को वहीं पहुंचाना चाहते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए और आपके दर्शकों के लिए याद दिलाना चाहता हूं, सावरकर और जिन्ना मिलकर के सरकार बनाए थे, इन लोगों को भूलना नहीं चाहिए। इस देश को गांधी की समझदारी की जरूरत है। मैं बार बार कहता हूं कि गांधी जिस तरीके से सबको साथ लेकर चलना चाहते थे, अंबेडकर जी जैसे समानता की बात करते थे, भगत सिंह जैसे निडरता की बात करते थे कि झुकेंगे नहीं, सत्ता के सामने जो है सर नहीं झुकाएंगे, उसके सामने तन करके खड़ा रहेंगे, ये भारतीय होने का, ये हमारे लिए जो है गौरव की बात है। जो लोग आज भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं, ये वापस से देश को जो है 47 वाली स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं। और उनसे मैं यही सवाल पूछता हूं बार बार, चलिए एक काम करते हैं, मैं ये सवाल पूछा है कई बार मैंने कि आप महिला हैं हम पुरुष हैं, दोनों लोग मिलकर के पेट्रोल पंप चलते हैं अपनी अपनी जो है स्कूटी लेकर के, देखते हैं कि आपको जो है 100 रुपये लीटर मिलता है और हमको जो है 150 रुपये लीटर मिलता है। ये हकीकत है, इसको आप नहीं भुला सकते हैं। कोई अटायर पहन करके चले जाइए, जाइए इंटरव्यू देने के लिए, कहाँ है नौकरी, रोजगार ही नहीं है। कब तक इन सवालों को जो है हम आंख बंद करके रखेंगे, इसको हमको एड्रेस करना पड़ेगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि देश को गांधी की उस समझदारी की जरूरत है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, उसमें मजदूर भी किसान भी आम इंसान भी, यही हमारी बात है। कन्हैया बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, करने में भी अच्छी लगेगी। आप मौका दीजिए, हम इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे, यही तो हम पंजाब की जनता से अपील करना चाहते हैं। चलो इस पे आते हैं, पंजाब की जनता ने आपको एक बहुत भारी
रेफरेंडम से जिताया था, इतनी सीटें शायद पंजाब ने कभी किसी को नहीं दी जितनी पिछली बारी 5 साल पहले कांग्रेस को जिताई। बातें तब भी ऐसी की थी, पंजाब ने विश्वास भी किया था। किसी हाल से वो वादे पूरे ना हो पाए। आप जैसे और लोग बाहर से आए थे, दिल्ली से आए थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नीचे एक बड़ा, मनमोहन सिंह भी बाहर के नहीं नहीं उनके वो मतलब दिल्ली से, अब तो दिल्ली वाले, अब हम दिल्ली ले गए उनको, तो हमसे दूर ले गए उनको, डॉक्टर मनमोहन सिंह को तो जो है नहीं, वो हमारे हैं, बिल्कुल हमारे हैं, पर हमने आपको उनको दिल्ली में दिया। मैंने पत्रकार की इस बात पे डांट लगाई थी, मैंने उनको कहा कि आप मोदी जी कह रहे हैं और मनमोहन गवर्नमेंट बोल रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। आपने कहा है, मैं कह रहा हूँ कि इससे एक साइकोलॉजी पता चलती है। उनके नीचे एक प्लान बनाया गया जो पंजाब को आगे लेके आएगा, प्लान नहीं लागू हो सका। आज आप 5 साल बाद फिर हमसे वोट मांगने आए हैं कि पंजाब आपको फिर से भरोसा दे, क्यों दे हम बार नहीं, दूसरा मौका क्यों दें? देखिए, आप हमसे ईमानदारी की अपेक्षा रखते हैं और मैं पूरी कोशिश करके आपकी अपेक्षा पे उतरने का प्रयास करूँगा। मैं भी आपसे एक ईमानदारी की अपेक्षा रखता हूँ। देखिए, आपको मालूम है कि कांग्रेस ने जो निर्णय लिया है ये ऐतिहासिक है, बोलिए है कि नहीं है? है, मैं मानती हूँ। कोई पंजाब का ऐसा इंसान नहीं होगा जो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम का फेस बनाना, सीएम बनाना, ये ऐतिहासिक तो है, ये पंजाब के बच्चे बच्चे को मालूम है। बिल्कुल, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ, इसको स्वीकार करना चाहिए। दूसरी बात, देखिए, बुरा जो नहीं हम ठीक कर पाए हम स्वीकार करते हैं, लेकिन आप भी तो स्वीकार कीजिए ना जो हमने अच्छा किया है। मैं आपको बताता हूँ, हमसे जानते हैं लोग आकर के क्या शिकायत करते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता साहब जानते हैं दिक्कत क्या है, हम लोग अपना काम बता ही नहीं पाते हैं। UPA 2 के बारे में और UPA 1 के बारे में बुरा सबको पता है, 2G 3G जीजा जी यही व्हाट्सएप मैसेज आते थे। कोई भी जो है जेल में नहीं है, और कैग की जो रिपोर्ट आई थी उसका जो मिसइंटरप्रिटेशन था, कोर्ट में माफी मांगा है उन्होंने साहब, यह भी जनता के पास नहीं पहुंचा, ठीक है। उसके खिलाफ एक आंदोलन भी हो गया, अन्ना जी का आंदोलन, कहां अन्ना जी, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, ज्यादातर तो बीजेपी में जाकर के मंत्री और राज्यपाल बनकर के बैठे हुए हैं, याद है ना आपको, किरण बेदी जी, पहली बार देश भी निकल के आए उस आंदोलन से। बाद में बात करेंगे, आपका आपका मंच है, आप जितना सवाल चाहें पूछें। देखिए, हम प्रधानमंत्री नहीं कि आपको प्रश्न पत्र लिख करके दे दिए हैं, तो आपको जो मन है पूछना पूछिए, हम सब सवाल का जवाब देने का कोशिश करेंगे अपनी क्षमता के हिसाब से, डेमोक्रेटिक आदमी है। तो उसमें पहली बार हमने ये देखा कि पहली बार सेना से कोई व्यक्ति जो है मतलब मंत्री बने हैं, साफ साफ तौर पे, मतलब ये पंजाब के लोग तो कितना बेहतर जानते हैं, हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई फौज की नौकरी करता है। मेरे घर से भी, मेरे जो है 16 भाई है, मैं अपने पूरी फैमिली को काउंट कर लूँ, 16 भाई मेरा जो है फौज की नौकरी करता है, और मैं शहादत भी दी है हमारे परिवार के लड़के ने, ठीक है, मेरे बड़े भाई ने। तो हम जानते हैं कि हमारा दर्द क्या है, हम जो है गाय भी चढ़ाते हैं, हम जो है खेती भी करते हैं, और हमारे ही घर के लड़के जो है बंदूक उठा करके जो है सीमा पे जो है वो सेवा भी करते हैं, देश को बचाने का काम भी करते हैं। राजनीति में इस तरीके से इस्तेमाल पहली बार देखने को मिला। चलिए, वो दौर भी गया, आपने देखा 2019 में भी जो है किस तरीके से जो है पुलवामा की इतनी बड़ी घटना हुई, स्टेट का क्या फेलियर है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहाँ से इतना RDX आया, एक जो है पुलिस ऑफिसर पकड़े गए थे, उस पुलिस ऑफिसर का क्या हुआ, कुछ नहीं पता है। तो सेना को भी जो है राजनीति में खींच करके लोग ले आए, और जबकि साफ साफ ये कहा गया कि आर्मी हमारी अक्षुण्ण है, इसके आधार पे कोई पॉलिटिक्स नहीं होगा। और आप जानते हैं कि जनरल बीके सिंह जो है वो सेना अध्यक्ष थे, वो अन्ना आंदोलन में जो आए थे एकदम प्रोमिनेंटली जो है, और फिर मंत्री भी बने। ये सब हमने अपनी आंखों से होते हुए देखा है, खराब, एकदम खराब। मनमोहन सिंह तो बोलते ही नहीं है, यही सब कहा जाता था ना, मनमोहन सिंह। देश में कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, प्रधानमंत्री जी को आप बोलते हुए सुने हैं किसी भी सवाल पे? 750 किसानों की शहादत हुई भाई साहब, कोई बोला? आप कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। सबसे पहले
पंजाब की कांग्रेस सरकार ने उन किसानों को शहीद माना। 400 से ज़्यादा परिवारों को नौकरी दी जा चुकी है, बाकी लोगों को भी दी जाएगी। मुआवजा दिया गया है, बिजली का बिल माफ़ किया गया। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे मेरे मुँह पर फैक्ट मारिए, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो मेरा अनुरोध है, आग्रह है कि आगे से यह मत कहिए कि कुछ नहीं हुआ है। और UPA 1 UPA 2 की भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं। पहली बार एजुकेशन को राइट टू लाइफ के अंतर्गत लाया गया कि राइट टू लाइफ है ये, आपको अपने सिटीजन को एजुकेट करना पड़ेगा, उसको पढ़ाना पड़ेगा। राइट टू एजुकेशन बिल लागू हुआ। राइट टू इंफॉर्मेशन, यही राइट टू इंफॉर्मेशन के एक्टिविस्ट हुआ करते थे हमारे दिल्ली के जो CM साहब हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन को किसने इंप्लीमेंट किया? मनरेगा। मनरेगा का आप डेटा उठा करके देखिए, करप्शन से हम इनकार नहीं करते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि जो सामाजिक प्रॉब्लम है, जो राजनीतिक प्रॉब्लम है, उससे कोई भी समाज या कोई भी राजनीति अछूता नहीं है, वो हम सब का प्रॉब्लम है। अगर चुनाव में बाहुबल का इस्तेमाल होता है तो ये देश के सामने एक चुनौती है, एक पार्टी का सवाल नहीं है। कहां नहीं हो रहा है, हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं उसको, हमको एक कलेक्टिव फॉर्म प्रॉब्लम के रूप में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब एक्सेप्ट करेंगे तो इसका इलाज ढूंढेंगे। बार बार हम कह रहे हैं कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जिन चुनौतियों से हमारा समाज घिरा हुआ है उससे राजनीति को बाहर निकाला जाए। खोखले दावे नहीं किए जाएं कि राजनीति बदलने के नाम पे आएंगे और खुद ही वही काम करने लगेंगे, धर्म के जो है दायरे में खेलने लगेंगे, जाति के दायरे में खेलने लगेंगे, रोजी रोटी रोजगार करप्शन इन मुद्दों को भुला देंगे, ये नहीं। उस पर खड़ा होकर के उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। आप आंकड़ा उठा करके देखिए कि मनरेगा आने के बाद रूरल इकोनॉमी बेटर हुई। हम बिहारी हैं, हम पंजाब में आकर के आपका धान काटते हैं, हम जो बात बोल रहे हैं वो ऑथेंटिसिटी के साथ बोल रहे हैं, ऑथेंटिक बात बता रहे हैं। और हम आपको बता देते हैं, जितना स्टेशन है आप शुरू कीजिए, यहाँ से शुरू कीजिए, अमृतसर से लेकर के आप सोनीपत तक जाइए, मजदूर लाने के लिए ना पंजाब और हरियाणा नंबर की बसेस की लाइन लगी रहती है। और आप देखिए कि जब कोरोना आया और लॉकडाउन के दौरान सरकार चीज़ों को नहीं दे पा रही थी, इन्हीं इलाकों से सबसे ज़्यादा मजबूत मजदूर पैदल जा रहे थे, जिसको आप GT रोड बोलते हैं ना, NH 44 हो गया है वो। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये पंजाब की साजिश थी, मॉर्निंग वॉक पे निकले थे वो अपना जो है स्वास्थ्य ठीक करने के लिए। प्रधानमंत्री कुछ भी बोल सकते हैं, उनका क्या है, उनकी बात को आप सीरियसली लेते हैं? देश सीरियसली लेना बंद कर दिया है, अभी मत लीजिए, वो कुछ भी बोलते हैं। बार-बार जीतते कैसे हैं अगर देश सीरियसली नहीं ले रहा तो? जीतते हैं, जो सवाल आपने पूछा था, हिजाब, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, 1400 साल के बाद जो है देश को आजादी मिली। जैसे आप कहते हैं राजनीति में वही है जो समाज में है, तो ये हमारे समाज में ये सोच है ना? बिल्कुल है, इसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? आप मुझे बताइए कि TV अगर नफरत परोस रहा है तो उसको हम देख रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी TV खरीद करके हर घर में पहुंचा दिए हैं। TV हम खुद खरीदे हैं ना, रिचार्ज हम खुद कराते हैं ना महीने महीने, ऐसा तो नहीं है कि Jio फ्री में रिचार्ज कर दे रहा है हमारा TV, उसको लगा के हम देख तो खुद रहे हैं ना। वो हमारे भीतर के नफरत को सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको देख करके, जो मैंने आपको कहा। हमारे अंदर नफरत कैसे जाएगी, प्यार कैसे आएगा? अब देखिए, ये एक बड़ा सवाल है। जब आप अपने जीवन के बहुत सारे मसलों को लेकर के एक विफलता और असुरक्षा महसूस करते हैं ना, तो राजनीति में आप एग्रेसिव हो जाते हैं। विफलता हम कहाँ महसूस कर रहे हैं? हम बिल्कुल, मैं बार बार कह रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ कि मैं एक ऑर्डिनरी नौजवान होने के लिहाज से बात बोल रहा हूँ। हमारे जीवन का क्राइसिस क्या है? रिमोट दे दीजिए, तय नहीं कर पाते हैं कि चैनल कौन सा देखेंगे। नेटफ्लिक्स खोल के दे दीजिए, तय नहीं कर पाते हैं कि सीरीज कौन सा देखेंगे। स्विगी जोमेटो दे दीजिए, तय नहीं कर पाते हैं। आधा घंटा तो इस पे बहस होता है कि ऑर्डर क्या करें, ठीक है। डायलमा, हर चीज़ को लेकर के एक डायलमा है, लाइफ के हर फ्रंट पे जो है डायलमा है। 14 तारीख को जो है आई लव यू किसी और को बोले थे, अच्छी जो है उसकी सहेली लग रही थी, डायलमा है। आपने ऐसा किया? नहीं, मैं ऑर्डिनरी सिटीजन की हालत बता रहा हूँ। आपकी तो शादी हो चुकी है ना वैसे? नहीं, आप क्यों इतना जो है ऐसा नहीं है, शादी वादी का रहने दीजिए, क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो ये आप प्रधानमंत्री से प्रभावित हैं इस बात पे? मैंने प्रधानमंत्री को देख करके, मैं तो उनके विरोध में जो है शादी कर लूं, ऐसा नहीं है। मुझे बिल्कुल उनका एंटीथीसिस होना है,
हाँ बिल्कुल एंटीथीसिस होना है। तो कभी आप योगा नहीं करेंगे? क्योंकि मेरा दिल टूटा है, मैं बार बार कहता हूँ, जैसे एक दिल टूटा हुआ आशिक होता है ना, प्रधानमंत्री के साथ भी हमारा जो है उस तरह का संबंध है। आप सोच रहे कितनी खुशी की बात है, कितना आनंद आया होगा इस देश के हमारे जैसे नौजवानों को ये देख करके, भाई साहब एक गरीब का बच्चा प्रधानमंत्री बन गया, क्या ताकत है डेमोक्रेसी का। उसी वक्त जो है नेहरू जी के प्रति इज्जत भी मन में आई कि भाई नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने होते, गलती से जो है पाकिस्तान जैसी स्थिति अगर यहाँ हो गई होती तो जो है ये संभव नहीं हो पाता। मुझे गर्व महसूस हुआ अपने देश की जमहूरियत पे, लोकतंत्र पे, कि एक गरीब का बच्चा देश का प्रधानमंत्री बन गया। क्योंकि हम लोगों को यही तो लगता था कि देश की असली हकीकत क्या है, ऐसा लग रहा है जैसे जो है मतलब किसी को कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है और कोई जो है चप्पल घिस करके परेशान है, फिर भी जो है बेसिक चीजें नहीं मिल पा रही है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन कुछ ही दिन में जो है आपको बोले ना कि गमला जो है वो गमला नहीं होगा, हकीकत सामने आ गई। भाई कौन करता है ये, आप कीजिएगा, मैं उसकी साइकोलॉजी समझना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी अपीयर हुए, नाम लिखा हुआ सूट पहन लिया ये आदमी। हम बोले अरे भाई साहब धोखा हो गया, ये बिल्कुल वही धोखा है जो किसी मॉल के कपड़े के दुकान के बाहर जो है लिखा रहता है सेल अप टू 70% ऑफ, कुछ नहीं मिलता है उसमें, बस वह स्टिकर पे होता है 70% ऑफ, मिलता कुछ नहीं है। खुशी जो है ना वो दुख में तब्दील हो गई, दिल टूट गया कि भाई तो ठग लिया ये आदमी, बोला हर साल जो है 2 करोड़ नौकरी देंगे, एक भी नहीं दिया। किसको नौकरी मिली है? अमित शाह के बेटा को, जय शाह को। उसका अंग्रेजी वाला इंटरव्यू सुने थे क्या, मतलब फर्राटेदार जो है एकदम ऐसा लगा जैसे ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया हो। उसको नौकरी मिली, हमको क्या मिला? पत्थर, डंडा, धर्म के नाम पे जो है दंगा, हमको तो ये मिला ना। जेल पे भेजा आपको? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो तो वरदान है, वो तो वरदान है। मुझे बड़ी बड़ी जो है इस बात की जो है ना ख्वाहिश थी। और जो है हम लोग बचपन में एक सीरियल देखा करते थे युग, उसमें जो है आज़ादी के आंदोलन के बारे में दिखाया जाता था, तो सोचते थे कि हम लोग अगर उस जमाने में होते, नौजवान होते, तो क्या कर रहे होते। अपने आसपास वो आंदोलन होते हुए देखते हैं तो ऐसे नौजवान जो है वो नज़र आते हैं। आपने किसान आंदोलन में ऐसे बहुत सारे नौजवानों को कवर किया होगा, आपने जो है एंटी करप्शन मूवमेंट में बहुत सारे ऐसे नौजवानों को कवर किया होगा, उनका भी दिल टूट गया। ये जो नेता है और ये जो राजनीति है, ये जो राजनीति का कल्चर है, उसके खिलाफ ही हम लोग एक ऐसा कल्चर चाहते हैं कि एक आम इंसान, सचमुच का आम इंसान, सच का आम आदमी जिसको कहते हैं ना, उसके हाथ में राजनीति आए। थोड़ी देर पहले आपने स्वीकार किया है कि बदलाव तो हुआ है, नहीं यही बदलाव। आपसे ज्यादा चीजें बता सकती हूँ क्योंकि आप पंजाब के, जब चन्नी जी वाले सवाल पे भागी नहीं, नहीं मैं भाग नहीं रही, मैं इधर ही बैठी हूँ। आप मैं मतलब उसको नहीं, उस पे नहीं, बात करना चाहिए, उसी पे आ रही हूँ मैं आपसे। इनसे ज्यादा मैं मानती हूँ कि कांग्रेस को प्रचार करना नहीं आता, इससे ज्यादा चीजें हुई हैं। एक ही सुबह जिसमें सुबह सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया है, ये नहीं है कि कांग्रेस ने काम नहीं किया। जेलों के बाहर पेट्रोल पंप लगाए ताकि जेल सेल्फ सफिशिएंट बन जाए। सो ऐसे बहुत काम है जो पंजाब, जितना डिडिक्शन पे काम पंजाब में हुआ है शायद किसी और सूबे में नहीं हुआ। स्कूली शिक्षा को लेकर के एक बात जो है, नहीं स्मार्ट स्कूल मैंने खुद देखे, गांव गांव जाके देखे मैं 10 और प्राइमरी स्कूल एजुकेशन में देश में पंजाब एक नंबर पे है, एक नंबर पे है। और बिजली बिल जो है वो आप किसानों से जाकर के पूछिए कि बिजली बिल माफ हुआ है कि नहीं हुआ है। और सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, छत्तीसगढ़ के अंदर जब बघेल साहब सीएम बने, चावल जो है वो गोबर से सस्ता है, गोबर चावल से महंगा है। सरकार ने एक योजना बनाई कि अगर आप चाहते हैं कि शहरों की समस्या कम हो तो आपको गाँव को भी जो है नहीं छोड़ना होगा। ये अपने आप में बहुत जो है ना डिविसिव नारा है, स्मार्ट सिटी का है भाई, देश स्मार्ट नहीं होना चाहिए, देश को ही स्मार्ट बनाइए, सिटी को स्मार्ट बनाएंगे और गांव को क्या करेंगे? तो गांव के लोग जो हैं वो विवश होंगे ना माइग्रेट होकर के शहर में आने के लिए, फिर शहर में जो है आपको समस्याएं बढ़ेंगी स्वाभाविक रूप से। तो आपको शहर के साथ साथ गांव को भी बेहतर बनाना पड़ेगा। रूरल इकोनॉमी को हम कैसे ठीक करेंगे, एग्रीकल्चर बेस्ड जो है वो हमारी सोसाइटी है। हम चलिए के सवाल पे आते हैं, मैं आपको खत्म कर लें पहले। जी जी, काफी चीजें हुई पर कुछ ऐसी चीजें भी हुई जो पंजाब को उम्मीद नहीं थी, जैसे नशा और तस्करी की बात थी, कुछ न्याय के मुद्दे थे जो चाहते थे कि कांग्रेस पूरी करेगी, कर्जा का मुद्दा था। सो कांग्रेस ने, मैं फिर आपकी बात मानती हूँ कि बहुत बड़ा फैसला लिया, और पंजाब जहाँ से मैं गुरु नानक को
मानती हूँ वो बराबरी के लिए बहुत ज़रूरी है, हम जात पात से ऊपर उठ के आए और हर काबिल इंसान को मौका दें आगे नहीं। पर जितना वक्त कांग्रेस को ये समझने में लगा कि हाँ यहाँ पे तब्दीली चाहिए, 4.5 साल वो बहुत लंबे थे। आज लोग ये पूछते हैं कि आपको हमने 5 साल के लिए चुना था, आपको हमने 111 दिन के लिए नहीं चुना था। अब आप कह रहे हो कि हमने चलो फैसला तो लिया, अब वो कहते हैं हम सिर्फ 111 दिन नहीं देखेंगे, हम 5 साल देखेंगे और उसके मुकाबले हम ऐसी सरकार लाना चाहते हैं जो आपका मेन मुकाबला है आज, आपकी सरकार अरविंद केजरीवाल के साथ, जिनकी नीयत भी अच्छी है, वो अपनी ईमानदारी की गारंटी देते हैं और वो दिल्ली मॉडल की गारंटी देके आ रही हैं जो पहले दिन से काम करेगी। उन्होंने पहले ही योजना बना रही है यहाँ पे माफिया ख़त्म कर देंगे जिससे इतना पैसा आएगा कि सुबह को कहीं कर्जे की ज़रूरत नहीं, सुबह तरक्की पे जाएगा। सो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि आप चाहे बोलें कि आप 111 दिन की सरकार के लिए वोट मांग रहे हैं, पर लोग 5 साल का जवाब मांगते हैं। देखिए मेरा एक ये है ना कि मैं बिना मतलब का ना अपने सवाल को सही साबित करने के लिए पड़ोसी को गालियां नहीं निकालता हूँ। मुझे अपनी माँ को इज्जत करनी है, इसका यह मतलब नहीं है कि पड़ोसी की माँ को गाली देना है। मुझे अपनी लकीर बरी करनी है तो मैं अनावश्यक जो है ना इधर उधर की बात नहीं करता हूँ, मैं फैक्ट बेस्ड बात करता हूँ। ठीक है, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, मैंने दिल्ली में ही पढ़ाई की है। दिल्ली को आप हो सकता है कि एड में देखे हों, हम दिल्ली को आंख से देखते हैं। ठीक है, मैं दिल्ली की बात नहीं करूंगा, मैं पंजाब की बात करूंगा। ठीक है, एक मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम कांग्रेस से लोग सवाल तो पूछ रहे हैं ना, विपक्ष से सवाल पूछते पूछते किसी दिन जो है ना लोग सत्ता पक्ष से भी सवाल पूछेंगे, जमहूरियत जिंदा रहेगी। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इस बात को। यही सवाल जब आपसे आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन आएंगे ना तो उनसे पूछिएगा। ठीक है, मैं वो जवाब नहीं देना चाहता हूँ, बस मैं एक बात आपको याद दिला देना चाहता हूँ। एक अन्ना आंदोलन जब हुआ था हम लोग यूनिवर्सिटी में थे, मतलब नारा याद है, अन्ना नहीं आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। और गांधी के मुंह से क्या निकला, कितना हास्यास्पद है उसको सुनिएगा, कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होना चाहिए, ये सबसे पहले अन्ना बोले थे। फैक्ट याद दिलाइएगा, नारा क्या था, जन लोकपाल। कहाँ लागू हुआ है जन लोकपाल, दूसरा सवाल। तीसरा आपको बताते, ज़्यादातर समय तो जो है दिल्ली में इसी बात पे निकल जाता है कि जी देखो जो है मोदी जी तंग कर रहे हैं, काम ही नहीं करने देते हैं, फुल स्टेट मिल जाएगा तो काम करेंगे। ठीक है, फुल स्टेट में जो है लोग मौका देना चाहे तो लोग को समझ में नहीं आया कि मुख्यमंत्री कौन है, मतलब दिल्ली वाला ही यहाँ आके मुख्यमंत्री होंगे कि जो है यहाँ का कोई, चलिए इस बार वो शॉर्ट हो गया है, इसका जवाब वो देंगे। हम क्या कर रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं, मैं ये बोलना चाहता हूँ। मैं आम आदमी पार्टी को अननेसेसरी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ। कोई भी जो लोग कह रहा है कि हम स्कूल देंगे, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि पंजाब का स्कूल प्राइमरी एजुकेशन ऑलरेडी जो है नंबर वन पे है। किसान को जो है मुआवजा देंगे, तो सबसे पहले पंजाब की सरकार ने जो किसान शहीद हुए उनको शहीद माना, 400 से ज़्यादा किसान परिवारों को नौकरियां दी, बाकी लोगों को भी मुआवजे दिए, बिजली का बिल माफ़ कर रहा है, गोबर खरीद रही है हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में। हमारा ये कंसर्न है कि हम रूरल इकोनॉमी को बेटर करना चाहते हैं। और आज नहीं, मैं कह रहा हूँ कि यूपीए के टाइम पे जो है मनरेगा लागू हुआ और मोदी जी आकर के कहे थे कि मनरेगा नहीं चलेगा, इसको हम बंद करेंगे, लेकिन उनकी भी मजबूरी थी, वो मनरेगा बंद नहीं कर पाए। उसके बाद उसमें आगे आता हूँ रोजगार के सवाल पे, कौन रोजगार की बात कर रहा है। 2019 का कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र उठा करके देखिए, अगेन प्रचार में भरोसा ही नहीं रखते हैं, प्रचार करते ही नहीं है, प्रचार करने ही नहीं आता है। हमको लगता है कि झूठ जो हमारे वाल बारे में बोला जाता है ना, दुष्प्रचार भी एक प्रचार है। बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम नहीं हुआ क्या, पप्पू पप्पू बोल करके यही पहुँचा दिए सब व्हाट्सएप ग्रुप में। और आज जब सवाल पूछ रहे हैं ना, तो वो सवाल मेरा तो है नहीं, वो सवाल तो देश का है। बेरोजगारी 50 साल में सबसे ज्यादा आई तो देश का सवाल है। इकोनॉमी जो है वो पीछे चली गई या माइनस में चली गई, ये तो देश का सवाल है। बेरोजगारी को लेकर के कॉन्क्रीटली एक योजना अगर कोई दिया है तो कांग्रेस पार्टी ने 2019 में न्याय की योजना लेकर के आई।
कि आप रोजगार के सवाल को तभी एड्रेस कर सकते हैं जब आप दो तीन बड़े पूंजीपतियों को, ठीक है, और एक बार जो है ये सवाल जो है अक्सर जो है लोग पूछा जाता है जब इकोनॉमिक चर्चा होती है, क्या डिफरेंस होता है पूंजीपति में और उद्योगपति में? दोनों शब्द तो एक नहीं है ना, दो अलग अलग शब्द हैं ना, क्या डिफरेंस है? जो पूंजीपति हैं वो उद्योग नहीं लगाते हैं, वो पैसा से पैसा कमाते हैं, सट्टा बाजार। ये सरकार सटोरिया है, अनफॉर्चुनेटली जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई है। वो क्या बोली कि 30% टैक्स लेंगे बिटकॉइन पे, इसका ये मतलब नहीं है कि ये लीगल हो गया है, तो कल को गांजा पे भी टैक्स लीजिए, वो कह दीजिए टैक्स लेंगे लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लीगल हो गया है। और इधर बीजेपी के नेता आकर के कहते हैं कि हम ड्रग्स का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आंख से देखिए आप इसको, मुंह से कुछ भी नंबर बोलेंगे, 30,000 करोड़ का पैकेज दे रहे हैं, कहां गया पैकेज, किसको पैकेज मिला? हम तो कॉन्क्रीटली बता रहे हैं ना, सरकार को हमने कहा कि आप किसान को क्यों नहीं मुआवजा देना चाहते हैं, जो शहीद परिवार है उसको मुआवजा दीजिए, कहां आंकड़ा नहीं है, हमने कहा हमसे ले लीजिए। जो कोरोना में लोगों की जान चली गई, पहले जो आपदा एक्ट के तहत लोगों को 4.5 लाख रुपया दिया जाता था, उसको घटा करके इन्होंने 50,000 कर दिया, अब 50,000 भी देने के लिए तैयार नहीं है। आप सबको पता है कि कोरोना में जो आंकड़ा दिया जा रहा है और एक्चुअल जो लोगों की जान गई है उसमें जमीन आसमान का फर्क है, जीरो बिठाते रहिए उसके ऊपर। ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति से निकालने के लिए हम कॉन्क्रीट बात कर रहे हैं और उसको जहां जहां हमको मौका मिला है उसको हम उस परिस्थिति से निकालने के लिए उस स्टेट में जो है अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जहां नहीं कर पाए हैं उसको स्वीकार करते हैं। कौन सा ऐसा चीज है जिसको स्वीकार नहीं किए? स्वाभाविक रूप से देश में अगर 70 साल में मोर और लेस सरकार में रहे हैं, कुछ अच्छा भी किया और कुछ बुरा भी किया, जब भी कोई ये सवाल पूछता है 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, वही किया जो आप 7 साल में बेच रहे हैं, सीधा जवाब है। आप मुझे बताइए कि देश कहीं आगे नहीं बढ़ा है? चांद पे नहीं गए हम, मंगल पे जाने का प्रयास नहीं किया, सड़कें नहीं बनी जो है, बिजली के तार नहीं बिछाए गए देश में, टेलीफोन के तार नहीं बिछाए गए, मोबाइल नहीं आया, संचार क्रांति नहीं हुई, एजुकेशन नहीं मिला। नहीं होता JNU तो हम आपके सामने बैठ करके जो है आप बात कर रहे होते और आप हमको बुलाते, हम आपके जो है धान के चंडीगढ़ मिला, ये तो हम भी मानते हैं। नहीं नहीं, हम आपके खेत में धान काट रहे होते साहब, ये सच्चाई है, हमारा ही भाई बंधु है ना जो आपके यहाँ आकर के धान काटता है। ये हुआ नहीं, परिस्थिति बदली ना, कैसे कहते हैं कि कांग्रेस काम नहीं किया? और एक सिंपल सा जवाब, आप अपने जीवन के सारे काम में अनुभव को प्राथमिकता देते हैं, हर काम में। कपड़ा सिलवाना हो तो वहां सिलवाएंगे जहां सिलवाते आ रहे हैं, चश्मा बनवाना हो वहां बनवाएंगे जहां बनवाते आ रहे हैं, घर में कोई झगड़ा फसाद हो गया है उस वकील के पास जाएंगे जिसके पास केस देते रहे हैं, गाड़ी चलाने के लिए किसको देते हैं, घर में 2 बच्चे हैं, एक नया नया गाड़ी सीखा है उसको गाड़ी देते हैं, जो पहले से चला रहा है उसको गाड़ी देते हैं। देश चलाने का जिसको अनुभव है, अनुभव को प्राथमिकता दीजिए। पंजाब में जब हमको मौका मिला हमने काम किया। आप अपने जीवन के हर छोटे बड़े निर्णय में अनुभव को प्राथमिकता देते हैं और देश की जो बात है उसमें हम अनुभव को प्राथमिकता नहीं देंगे? कितना बड़ा प्रॉब्लम था पंजाब का, उस परिस्थिति से निकल करके हम लोग बाहर आए और डॉक्टर मनमोहन सिंह पार्लियामेंट में खड़ा होकर के याद दिलाते हैं, देश के सामने माफी मांगा। आज उस हिस्से को हम जोड़ पाए, फिर उससे उसको बांटने का काम कौन किया किसान आंदोलन के दौरान? मीडिया ने। और वो कौन मीडिया है जो सरकार के ऐड पे चलता है? ये हकीकत है, इसको स्वीकार कीजिए। कांग्रेस रोजी रोटी कपड़ा मकान तो देगी ही, दे ही रही है, उसको बेहतर करने का कोशिश कर ही रही है, साथ ही साथ जो है ना शांति का वादा देती है, सब मिल करके एकजुट होकर के रहेंगे इससे देश ताकतवर बनेगा, ये हमारी गारंटी है। आपकी बातों में आप बोलते इतना अच्छा है सुन के, अच्छा लगता बोलते हैं। नहीं, सच्चाई हमेशा अच्छी लगती है। अच्छा तो जो है भगवंत मान साहब भी बोलते हैं, मैं उनका जो है पॉलिटिकल सटायर सुनता था, ये सटायर नहीं है, ये मैं यही कहता हूँ, एक्सपीरियंस को मानना चाहिए, ये हमारा हकीकत है, हमारा अनुभव है, हमारा जीवन है, हम किताब में पढ़ी हुई बात नहीं बोल रहे हैं। उसी तरह से हम क्यों कह रहे हैं कि ये जो फेस बदला है इसमें सबसे बड़ी चीज है ना, ये मजाक नहीं है, लोग उस पर मीम बनाते हैं, हर एक आम पंजाबी की यही हकीकत होगी जो एक साधारण इंसान होगा कि अपनी जिंदगी के जद्दोजहद में ना वो कई काम करता है। हो सकता है उसको बचपन में सिंगर बनने का मन हो, जीवन की परिस्थिति उसको खेत में काम करने के लिए मजबूर करे, खेत में काम करते करते वो सोचे कि हम डॉक्टर बन जाएं, डॉक्टर का एग्जाम देने का
जो है उसके पास पैसा नहीं है तो कंपाउंडर का जो ट्रेनिंग ले ले। यही एक इंसान की हकीकत होती है। मुझे नहीं लगता है कि आपने भी जीवन में तय किया होगा कि आप एक दिन पत्रकार बन जाएंगे, आपके भी कुछ और ख्वाब रहे होंगे। जगदीश सिंह तो लिखे ही ना, गाए भी कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी किसी को आसमां नहीं मिलता। तो जाके पैर न फटे बिवाई, वो का जाने पीठ पड़ाई। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के आम आदमी हैं, आम आदमी का जीवन उन्होंने जिया है, उसका दर्द उसका अनुभव उनको पता है। इसीलिए हम ये दावा कर रहे हैं कि ये जो बदलाव है, ये बदलाव एक शुरुआत है, हमको इसको एक मुकाम तक ले करके जाना है। और पंजाब की जो समस्याएं हैं जिसको हमने दूर करने का प्रयास किया है, हमको मौका दीजिए, इसको हम मुकम्मल तौर पे जो है पूरा करने का प्रयास करेंगे। बाकी जिंदगी आगे बढ़ती रहती है, कमियां आती रहती है, उसको दूर करने का प्रयास चलता रहता है। चरणजीत चन्नी एक दलित भी हैं, पर ये उनको उनकी हकीकत है, क्यों आज कांग्रेस इस शब्द को इस्तेमाल करने से डरती है, घबराती क्यों है? नहीं नहीं, देखिए कांग्रेस डरती घबराती ऐसा नहीं है। कांग्रेस इस सवाल को ना बेचना नहीं चाहती है। हमारी जो एक गरीब को इस्तेमाल करते हैं, आम को इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस जब कोई पॉलिसी बनाती है ना, उसका अप्रोच क्या होता है, वो अप्रोच पहले समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं स्कूल में और कॉलेज में था तो जो शोषित पीड़ित वंचित वर्ग के बच्चे होते हैं उनको जो है कुछ तरह की सुविधाएं देने का प्रावधान था। तो अपनी यूनिवर्सिटी की कहानी मैं आपको बताता हूँ जो मुझे बिल्कुल याद है विजिबली। एससी एसटी मिनिस्ट्री ने जो है एक हॉस्टल ग्रांट किया और कहा कि एससी एसटी के स्टूडेंट को इस हॉस्टल में आप रखेंगे। हमारी यूनिवर्सिटी ने जो है लोगों ने कहा कि हम अलग से जो है हॉस्टल नहीं बनाएंगे, आप हॉस्टल ग्रांट कीजिए, हॉस्टल हम बना देंगे। और मान लीजिए कि हम 700 सीट का हॉस्टल बनाएंगे तो 700 सीट सबसे पहले एससी एसटी स्टूडेंट को देंगे, उसके बाद जो है बाकी लोगों को देंगे। लेकिन एक स्पेसिफिक हॉस्टल जो है ना, हम उनको आइडेंटिफाई या मार्क नहीं होने देंगे। ये नए तरीके का सेग्रीगेशन है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि नए तरीके का सेग्रीगेशन जो है हमारे सोसाइटी के अंदर ऐसे क्रिएट कैसे क्रिएट हो रहा है। एसर्सन होना, पॉलिटिकल एसर्सन होना, ये एक ठीक बात है, लेकिन कई बार काउंटर एसर्सन भी तो होता है। हमारी अल्टीमेट इच्छा क्या है, हमारा अल्टीमेट ख्वाब क्या है कि आपकी पहचान कुछ भी हो, चाहे जेंडर, जाति, धर्म, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं हो। तो ये एक तरफ तो हम उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हैं, दूसरी तरफ इसका हम ढोल भी नहीं बजाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि मोदी को जो है ना मोदी के तरीके से हराया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। आप आम कहते हैं, आम है, गरीब है, गरीबी से उठ के आए हैं, तो ये भी जरूरी है जहाँ पे इतनी सालों भी नहीं मतलब सेंचुरीज वो टैग लिया है, अच्छा, तो वो कहना भी अच्छा लगता है। कौन नहीं जानता है, इसको कहने का क्या जरूरत है आपको ये कहने? शायद कभी मुझे सुनना अच्छा लगता हो कि हाँ मेरे को मेरी जाति के बावजूद मुझे ये ओहदा दिया गया मेरे सामने, मुझे एज अ लेडी कई बार अच्छा लगता है। ये सुपरफेशियल एक्सपीरियंस है आपका, ये ग्राउंडेड नहीं है, माफ कीजिएगा, ग्राउंडेड नहीं है। ग्राउंड पे लोग जो है ना ये असरसर नहीं चाहते हैं, वो मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं सबसे, अलग नहीं होना चाहते हैं। अलग नहीं होना चाहते, मैं टोटली एग्री करती हूँ, बट ये कि मेरे मैं एज अ औरत मुझे अच्छा लगता है, और क्योंकि हाँ एज अ औरत मैं भी एक लेडी बॉस बन सकती हूँ और बन गई हूँ, तो वो बाकी लोगों के लिए भी अच्छा लगता है सुनना। हम कहते हैं ना वेमेन ब्रेक द ग्लास सीलिंग, राइट? तो हम ये क्यों नहीं बोल सकते? नहीं नहीं, इसको बोल करके हमको क्या हासिल होगा, हम क्या चाहते हैं? जो समस्या है उसका हम निराकरण करें ना, ढोल बजाने से क्या फायदा है कि 5 पैसा का काम कीजिए और 95 पैसा का प्रचार कीजिए, इसे क्या फायदा है? यही तो हो रहा है ना, जो मैंने आपको बताया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका 70% बजट जो है आपने ऐड पे ही खर्च कर दिया। आज यही ट्रेंड है ना, लोग चाहते हैं कि मतलब कीचड़ से कीचड़ को साफ किया जाए। भाई कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता है, आप चाहेंगे कि प्रचार से प्रचार को हरा दें, ये नहीं हो सकता है। आपको सब्सटेंशियल सस्टेनेबल चेंज करना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके लिए जो है आपको वैसा जनसमूह तैयार करना पड़ेगा, वैसा संवाद आपको छेड़ना पड़ेगा। ये संवाद नहीं कि जो समाज को पुनः एक बार जो है विभेद करे, बांटे आपस में। अच्छा एक बात बताइए, इसको कहने की जरूरत है? हमारे यहाँ कहावत कही जाती है, नहाया हुआ शरीर
और खाया हुआ शरीर नहीं छुपता है। मैं आपको संबोधन कर रहा हूं तो इसी एजम्पशन के साथ ना कि आप महिला हैं, और आप इसी एजम्पशन के साथ ना कि मैं पुरुष में संबोधन कर रहे हैं। बार बार कहें तलवार निकाल लें, आप तलवार निकाल लीजिए, मैं महिला हूं और मैं जो है, क्या इससे हासिल होगा? रहना तो हमको इसी समाज में है ना, मिलके ही तो रहना है ना, इससे हासिल क्या होगा? ये जो कर रहे हैं ना, बेसिकली वो बेईमानी कर रहे हैं, वो वही बेचने वाली मानसिकता नहीं होती है। एक और चीज आज बेची जा रही है, कहा जा रहा है कि कांग्रेस को बचाना लोकतंत्र के लिए जरूरी है, पर पंजाब में कहा जा रहा है, कई लोग जैसे डॉक्टर धर्मवीर गांधी हैं, वो कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस, आप छोड़ के कांग्रेस में आए हैं कि मुझे लगता है कांग्रेस भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जिम्मेदारी आज पंजाब पे डाली जा रही है कि आप कांग्रेस को बचाएं, कांग्रेस को वोट डालें ताकि देश में लोकतंत्र को बचाया जाए। पंजाब का एक आम इंसान, मैं उसकी तरफ से आपको सवाल पूछती हूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादा काम गांव-गांव में होता है, मैं ज़्यादा आप जैसे बड़े आगों को कम इंटरव्यू करती हूँ, मैं ज़्यादा वक्त वहीं रहती हूँ, बड़ा हूँ ना वो। सो मैं वहाँ से पूछती हूँ कि हम क्यों जिम्मेदारी लें लोकतंत्र की, जब कांग्रेस सरकार ये जिम्मेदारी नहीं लेती कि जब हमको जिता के लाएंगे वो शासन बहुत बढ़िया होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा। आप वापस आएंगे पंजाब में, ये नहीं कि अगर कुछ मुख्यमंत्री ठीक तरह परफॉर्म नहीं करते 4.5 साल फिर लगेंगे, कि आप हर साल आएंगे देखने के लिए, आप और जो भी आज दिल्ली से सब बड़े आगू आए हुए हैं, ये जिम्मेदारी लेते हैं कि हम जो वादा आज कर रहे हैं वो देखेंगे कि इस बारी इतनी देरी ना हो, क्योंकि अगर हम लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी लेके कांग्रेस को वोट डालते हैं, कांग्रेस ये जिम्मेदारी लेती है कि वो हाजिर रहेगी, हाईकमांड हाजिर रहेगा कि कांग्रेस के जो आगू हैं वो सही तरह लोगों की उम्मीदों पर परफॉर्म करें। देखिए क्या है ना कि ये फियर है, ये क्वेश्चन फेयर नहीं है, ये जैसे आप कहते हैं ना अनुभव पे रिलेटेड है, मैं अनुभव के मुताबिक कह रही हूँ, क्योंकि ऐसी चीजें हुई पंजाब में पिछले 5 सालों में। आपने ही अपने सवाल में बताया ना कि जो काम जो है पिछले 4.5 साल में नहीं हुआ जो है वो 111 दिन में हो गया, तो अभी जो एक्सपीरियंस है तो ये दिखा रहा है कि तो काम करने वाली सरकार है, परफॉर्मिंग है, ये आपके अनुभव है, बस मैं आपको याद दिला रहा हूँ, मेरे अनुभव नहीं है। मैं पहले ही कहा कि पंजाब को लेकर के मेरा कोई भी दावा जो है आपसे बड़ा नहीं हो सकता। 3 महीने परफॉर्म करना बड़ा इजी है दिखाने के लिए, प्रचार तो के लिए 5 साल और ऐड कर दीजिए उसमें। कितना सिंपल है ये, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बहुत आसान है। आप मतलब कहते हैं ना, आप कोई, मैं आपको एज अ हाई कमांड, क्योंकि आप उस टीम से आ रहे हैं जो पूरी कांग्रेस में थोड़ा सा सेट करते हैं कैसे काम चलना है, उस टीम से कोई जिम्मेदारी लेते हैं कि भी हम हाजिर रहेंगे, आज हम कह रहे हैं इनको वोट डालो, हम बाद में हाजिर रहेंगे, लोगों के लिए हाजिर रहेंगे। देखिए क्या है ना कि आपने उस चुनौती की ओर इशारा कर दिया, इसीलिए मैंने जब जो ही आपने टीम शब्द का इस्तेमाल किया मैंने उसको अस्वीकार किया। एक्चुअली कांग्रेस जो है ना वो एक चौतरफा लड़ाई से घिरी हुई है, यही जो टीम वाली जो मानसिकता है ना, ये टीम वो टीम, तो ये एक इंटरनल एक्सटर्नल विद इन अपोजिशन, हर किसी को लग रहा है कि कमजोर है तो इसको धक्का मार दो, ठीक, जबकि ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई वो कमजोर भले है तुमको लग रहा हो लेकिन उसको गाड़ी चलानी आती है, तुम अपना मजबूती का दावा करके गाड़ी खाई में ले जाओगे। दूसरा, हर अपोजिशन पार्टी ये कोशिश कर रही है कि वो कांग्रेस को रिप्लेस करके वो मेन अपोजिशन बन जाए, तो दूसरी लड़ाई है। तीसरी लड़ाई जो देश के दो सबसे बड़े नाम है डबल ए वेरियंट, ठीक है, वो भी चाहते हैं कि कांग्रेस नहीं हो, 40% से ज्यादा उनका पैसा मीडिया में लगा हुआ है, ठीक है, इसीलिए दिन भर वो चलते रहता है। वो तो आप पंजाब को कवर करते हैं, आप पंजाब के बारे में बात कर रहे हैं, आप हिंदी न्यूज चैनल को देखेंगे ना, लग ही नहीं रहा है कि उत्तर प्रदेश के अलावे और कहीं चुनाव हो रहा है। 5वां राज्य मणिपुर भी है, वहां भी इलेक्शन हो रहा है, गोवा में भी इलेक्शन है, उत्तराखंड में भी, सिर्फ उत्तर प्रदेश, सिर्फ उत्तर, का है भाई ये समझ रहे हैं, इसको समझिए। तो वो जो डबल ए वेरिएंट है उनके पैसा लगा हुआ है मीडिया में, वो दिन रात अपना एजेंडा चलाते हैं। हिजाब का बात होगा तो बैंक का हिसाब का बात नहीं होगा। अभी सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड हुआ है देश में, कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है उसका। तो ये डबल ए वेरिएंट भी नहीं चाहता है। तीसरी लड़ाई और चौथी लड़ाई बीजेपी जेएनयू के जो फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि ये जब शुरू हुआ था तो कांग्रेस सरकार में थी। वो तो किसी भी चीज के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा देंगे, ठीक है, शुक्र कीजिए को कांग्रेस बोले हैं तो नेहरू जी बोल देते हैं। मुझे तो लगता है कि जो है वो अपने वजूद के लिए भी जो है नेहरू जी को जिम्मेदार ठहरा दें,
कि हम लोग सब जो है वो नेहरू जी की वजह से जो है ऐसे हैं, हर चीज के लिए. मुझे तो डर था जिस दिन वो टेलीप्रॉम्प्टर वाला कांड हुआ था ना मोदी जी का, ठीक है ना, वो ये ना कह दें कि जो है नेहरू जी जो है हैक कर लिए थे, हमारा सॉफ्टवेयर में वायरस डाल दिए थे, कुछ भी बोल देते हैं. उसमें कोई लॉजिक थोड़ी होता है, कोई तर्क थोड़ी होता है. अरे आप हैं सरकार में, आप सरकार चला रहे हैं, लोग आपको मौका दिया है, आप सबको छोड़ करके सीधे नेहरू जी पे चले जाते हैं, तो उसका क्या कर लीजिएगा, उसका तो कोई मतलब. हमारे यहाँ कहते हैं कि तर्क का जवाब तर्क से दिया जा सकता है, थेथरई का जवाब आप क्या दीजिएगा. मतलब इसको और आसान भाषा में बोलें कि कोई अगर सो रहा है तो उसको जगा दीजिएगा, सोने का जो नाटक करेगा उसका क्या कर लीजिएगा. तो ये सरकार जो है बेसिकली उसी मोड में है. इस परिस्थिति से जो है लोगों को निकलना है, इसीलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस को मेरी जरूरत नहीं है, मेरे जैसे नौजवानों की, जो लोग देश से चिंता करते हैं उनकी जरूरत है कांग्रेस. और कांग्रेस में वो आएंगे, उनका अपना समर्थन देंगे, उस पर भरोसा जताएंगे, उसी से जो है बदलाव का एक रास्ता निकलेगा. और जो गांधी जी ने आपको कहा है उस बात में सच्चाई है कि कांग्रेस को जितना मौका मिला उतने समय में वो डेमोक्रेसी को मेंटेन करके रखे. और डेमोक्रेटिक होने का मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, 5 राज्य में चुनाव हो रहा है, जो एयर टाइम है ना वो डेमोक्रेटिक नहीं है. आप योजनाओं को उठा करके देख लीजिए, वो डेमोक्रेटिक नहीं है. तो एक फुल फ्लेज स्टेट को रन करना, जहां ये GST का पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में पंजाब जैसे राज्य को चलाना, उसमें अनुभव की दरकार है. और वो अनुभव जो है कांग्रेस पार्टी की के पास है. जहां तक कांग्रेस पंजाब के भीतर बदलाव का जो एस्पिरेशन है, उस एस्पिरेशन का हम सम्मान करते हैं, उसको रेस्पेक्ट करते हैं. और आज हमारे पास जो है बदलाव के प्रतीक, आम आदमी पार्टी के प्रतीक जो है वो चरणजीत सिंह चन्नी है. और मुझे भरोसा है कि पंजाब ने जो है हर मौके पे, चाहे कश्मीर का सवाल हो कि कन्याकुमारी का सवाल हो, किसान का सवाल हो कि नौजवान का सवाल हो, खुल करके रोड पे निकलते हैं. आप आज़ादी के आंदोलन से लेकर के आज तक का इतिहास उठा करके देख लीजिए. और आपने जो है गुरु नानक देव जी की बात की है, एक वाक्या जो है हम लोगों को भी पढ़ाया समझाया जाता था, क्योंकि मैं एक ऐसे स्कूल से पढ़ करके आया हूँ जहाँ की प्रार्थना जो है ना वो अपने आप में इंक्लूसिव थी. तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा. ये हमारे स्कूल का प्रार्थना था. और हमको जो है रोज सुबह सुबह जो है संविधान की प्रस्तावना जो है उसकी प्रतिज्ञा दिलाई जाती थी. तो गुरु नानक देव जी के बारे में जो है एक वाक्य हम लोगों को भी पढ़ाया गया. और मुझे याद है वो कि एक बार एक सेठ एक साहूकार बोला कि आप आइए हमारे घर में खाना खाने के लिए. और उसी वक्त जो है गरीब ने कहा कि जो है आप हमारे यहाँ खाना खाने के लिए आएंगे तो बहुत अच्छा हो. वो उस गरीब के घर खाना खाने के लिए चले गए. साहूकार जो है वो रूठ गया, नाराज़ हो गया, बोला कि आप हमारे घर क्यों नहीं आए. तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी रोटी से जो मुझे खून टपकता हुआ दिखाई देता. न्याय की भूमि है पंजाब, बलिदान और त्याग की भूमि है पंजाब. आज देश को इसकी हिम्मत की और इसकी एकता की ज़रूरत है. ये हिम्मत और एकता जो है ना वो पंजाब के किसानों ने जो किया है, पंजाब के नौजवानों को भी जो है एक रास्ता देना पड़ेगा. और BJP के सामने कांग्रेस एक अनुभवी और सबको साथ लेकर चलने की क्षमता रखने वाली. और काम जब आप करेंगे ना, ठीक है, जिस आपको घर में मान लीजिए बच्चे होंगे तो वो भी आपस में नाराज़ हो जाएंगे, नहीं नहीं उसको जो है ज़्यादा बिस्किट दे दिया, मुझे कम बिस्किट दे दिया, ये नाराज़गी होती है. लेकिन आप उसको अपने साथ लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार वही कहता है, जाके पैर न फटे बिवाई, वो का जाने पीर पड़ाई. जो देश की आज़ादी के लिए लड़ा है, जो कुर्बानी दी है, वही देश की आज़ादी को अच्छुन्न भी रख सकता है. आई थिंक कुछ ऑडियंस उतावली हो रही है आपसे बात करने के लिए, सो मैं उनसे सवाल लेती हूँ. सर, सबसे पहले जैसे आपने बोला कि कांग्रेस सरकार के बारे में, तो सबसे पहले अभी 111 दिनों की है अगर मैं बात करूँ तो, हमारे जैसे जो है कि मीन्स की शहर की जो मेरे घर के बाहर वाली गलियाँ बनी हैं, जो मतलब कांग्रेस को देखा उसके लिए तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद. और जैसे कि आपने बोला ना कि हम कपड़ा वही पहनते जो हमें पहनना चाहिए, और जैसे जो गली हमारी जो बनी है उसमें से सिर्फ 10% गली खराब थी जिसे तोड़ के फिर से बनाया गया. और घर के पीछे कम से कम 10-15 हज़ार गज ज़मीन ऐसी होगी जिसपे पूरे शहर का कचरा पड़ा होगा, वो तो सरकार को नहीं दिखा. देखिए, मैंने आप शायद लेट ज्वाइन किए होंगे, मेरा दावा इस राज्य पे आपके बाद है, आपका दावा पहला है. नहीं, तो नहीं, मैं आप जो समस्या बता रहे हैं आप मुझे बता रहे हैं, लेकिन आप उसको रोज झेलते हैं,
तो आप उसको हमसे बेहतर समझते हैं। हम बस आपको ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार चाहते हैं सर, और ये आप ही बना सकते हैं सर। जैसे तो कि मैं, चलो सॉरी टू इंटरप्ट अगेन, जैसे कि मैं मान लेता चलो ये मेरे मोहल्ले वाली दिक्कत थी, ये नहीं दिखी सरकार को, बट जो भी सरकार पहले आती है उसे और नहीं तो कुछ, जैसे पढ़ाई बोल रहे हैं वो अच्छी हुई ठीक है, जो दवाइयाँ होती है अस्पताल होते हैं वो चीज़ तो सरकार को सबसे पहले दिखनी चाहिए। मैं जैसे फिरोजपुर से हूँ, भगत सिंह का शहीदी स्थान, वहाँ का अस्पताल जैसे पहले था वैसा ही अभी भी है। अगर सरकार को मेरा मोहल्ला नहीं दिखा, बट सरकार को वो चीज़ तो दिखनी चाहिए ना। कोई भी चेंजेस आए हो तो वो मैं चाहूँगा कि मेरे को बताया जाए। नहीं नहीं देखिए, इस बात को तो आप भी स्वीकार करेंगे कि चेंजेस, मतलब हम लोग जहाँ थे 50 साल पहले वहीं हैं क्या? बदलाव तो हो रहे हैं ना। जब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने देश को चलाया है, मतलब ये बदलाव भी उसको उसने किए हैं सर। ऐसा आप... तो नहीं होगा ना कि अच्छा अच्छा जो है आप किसी और को कहिएगा और बुरा बुरा जो है हमको कहिएगा। सर मैं तो अच्छा किसी को कह ही नहीं रहा हूँ, मैं अच्छा किसी को कह ही नहीं रहा हूँ। तो आप खुद को बुरा कहते हैं कि नहीं? नहीं नहीं, जैसे आपने बोला ना कि मैंने तो अपनी माँ देखनी कि मेरी माँ अच्छी कैसी है। आप ऐसे मत समझिए कि आप उधर बैठे हुए और मैं इधर बैठा हुआ तो विरोधी हैं। नहीं नहीं, जब आपका ये अप्रोच है कि आप किसी को अच्छा समझते ही नहीं है, तो आप पहले खुद को बुरा मानते हैं कि नहीं? ना, फिर कैसे? मैं न्यूट्रल। फिर कैसे होगा साहब, फिर कैसे हम आगे बढ़ेंगे? इससे आगे बढ़ने के लिए हमको पहले खुद की अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी, तभी ना हम सरकार की अकाउंट। और मैं कह रहा हूं कि मेरी समझदारी में आपका दावा पहला है, मेरा दावा पहला नहीं है। मेरा दावा इसलिए पहला नहीं है कि आप नागरिक हैं, आपकी जो बात है वो बात में सच्चाई है और आप उसको ज़्यादा महसूस करते हैं। हमारा सवाल है कि उस पे कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार जो है, हम उसकी गारंटी कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो बदलाव किया है एज ए पार्टी, पार्टी के बतौर, उसमें जो है एक बदलाव दिखता है, उसमें एक एस्पिरेशन दिखता है, उसमें कमिटमेंट दिखता है। बस दो पॉइंट और थे कि जैसे एक तो आपने एडवर्टाइजमेंट का बोला था कि कांग्रेस सरकार एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही। अभी फिरोजपुर से लुधियाना में जब आता हूँ, बाय रोड आता हूँ, तो जितने जैसे लगे हुए थे कैप्टन अमरिंदर के आगे लगे हुए थे पोस्टर, सारे सबसे पहले काम ये हटा हुआ है कि सारे पोस्टर्स हट के चन्नी साहब के लगे हैं पोस्टर्स। वो काम चीजें अगर पहले हो रही हैं तो दूसरों चीजों की बजाय वो चीजें एडवर्टाइजमेंट अगर आप पूरी तरह से जो एजेंडा को मिसप्लेस किए हैं। हमारे ऊपर तो ये आरोप लगता है कि हम प्रचार नहीं ठीक से करते हैं, हम अपने काम ठीक से बता नहीं पाते हैं। अभी का ट्रेंड ये बन गया है कि लोग 5 पैसे का काम करते हैं, 95 पैसे का प्रचार करते हैं। आप किसी भी सरकार का बजट उठा करके देख लीजिए तो सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रहे हैं। ये दूसरे कॉन्टेक्स्ट में जो है इस सवाल का जवाब हमने दिया था, आप एक्चुअली उसको थोड़ा मिसप्लेस कर गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा सवाल सावरकर और गांधी जी को लेकर है कि आज देश के अंदर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सावरकर और गांधी बराबर थे, और इसके साथ मैं ऐड कर रहा हूँ कि आज देश में नाथूराम गोडसे का जन्मदिन और उसका मृत्यु दिवस एक दिन के रूप में मनाया जाता है, और उसको सरकार, मोदी सरकार उसको कुछ नहीं कहती है, और महात्मा गांधी जी को भी वो कमरों में उनकी फ़ोटोज़ भी लगाते हैं। मतलब जो आपने कहा दो नीतियाँ हैं उनकी, एक तो नाथूराम गोडसे को भी मानते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, और दूसरा गांधी जी को भी पूजा करते हैं। और दूसरा सवाल, JNU के अंदर सुभाष चंद्र बोस जी के साथ सावरकर का बुत लगाया था, शायद आपको मालूम होगा, और उसको बाद कुछ स्टूडेंट्स ने उसको तोड़ दिया था। तो आज मेरा कहने का मतलब यह है कि सावरकर को महात्मा गांधी के बराबर दिखाने की ये सरकार कोशिश कर रही है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए क्या है ना कि आप अपने अनुभव से एक चीज़ को महसूस किए होंगे कई बार। आप खूब बढ़िया से नहा लीजिए, अच्छा साबुन लगा के, डिओड्रेंट वोड्रेंट जो भी सेंट वेंट इत्र उत्र मार लीजिए और आप निकलिए। आपके शरीर में कहीं कोई जख्म हो, खुली हुई जगह हो, पूरा शरीर छोड़ करके मक्खी वहीं जा करके बैठेगी। प्रवृत्ति और स्वभाव चाहने से भी लोग नहीं बदल पाते हैं। कहते हैं एक कहावत है, चोर चोरी से गया कि तुम्बा फेरी से गया। तो गांधी उनकी मजबूरी है, गांधी के खिलाफ जो है वो खुलकर पोजीशन नहीं ले सकते हैं, और गोडसे उनकी चाहत है, उनकी हसरत है। तो उनको जब भी मौका मिलता है वो अपना मजबूरी छोड़ करके अपनी हसरत जो है वो जाहिर करना शुरू कर देते हैं। करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल कुछ और है जिस पे हमको अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वो है कि बेरोजगारी जो है ना वो बिल्कुल बम की तरह हो गया है, बारूद का ढेर बन चुका है।
ये इसको इसको हमको एड्रेस करना पड़ेगा। किसानों की जो समस्या है, जो कृषि प्रधान देश है, ठीक है, उसको इन्होंने कृषि प्रधान देश बना दिया है। पूरे टाइम प्रचार के मोड में रहते हैं। पार्लियामेंट में देख लीजिए, ऐतिहासिक प्रधानमंत्री हैं ये, जिनके भाषण के शब्द डिलीट किए जा रहे हैं, क्योंकि वो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में जो है नोट नहीं किया जा सकता है। झूठ बोलते हैं, गलत आंकड़ा देते हैं। पहले आपस में कोई गंदगी करता था ना बातचीत में, तो लोग कहता था कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में, नहीं नहीं वो ही नहीं, बहुत सारी चीजें कहता था कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज मत बोलो। इन्होंने अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को पार्लियामेंट्री लैंग्वेज बदल दिया। आज के डेट में अगर कोई वैसी बात करेगा ना, तो कहेगा कि पार्लियामेंट्री लैंग्वेज मत बोलो। इन्होंने ये हालत कर दी है पार्लियामेंट की। और प्रचार की भूख देखिए कि आज वोटिंग हो रहा है कहीं पे, कहीं और पे जाके प्रचार करेंगे, फिर टीवी पे जो है उसका प्रसारण चलेगा, उससे भी नहीं होगा तो फोन पे इंटरव्यू देने लगेंगे। ये जो स्थिति है, इस स्थिति की भयावहता को हमको समझना चाहिए और अपना ध्यान हम लोगों को रोजगार के सवाल पे, जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है, लगातार जो गरीब गरीब हो रहे हैं, और कुछ जो दो चार जो इनके दोस्त हैं जो करोड़ों लेकर के, इनकी झोला लेकर के जो फरार हो गए हैं, वो जो अमीर हो रहे हैं, इस डिस्पैरिटी को हमको एड्रेस करना पड़ेगा। और नौजवान अपने सवालों को लेकर के गंभीर ना हो तो उसको नशे में धकेल देना, उसको जात धर्म के जो है झगड़े में फंसा देना, ठीक है, या उसके सामने ऐसा सपना बेचना जो पूरा ही नहीं होना है। जो मैंने आपको कहा कि फेयर एंड हैंडसम लगा लीजिएगा तो आप शाहरुख खान हो जाइएगा, फालतू बात है ये, बेचे जा रहे हैं इस सवाल को। इस इन चीजों पे हमको अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद कि आप पंजाब की पावन धरती पर आए हो और आप चंडीगढ़ में हो, और पूरे देश में एक चंडीगढ़ ही एक ऐसी राजधानी है जो दो स्टेट की एक राजधानी है। ये भी एक अलग से मुद्दा है पंजाब और हरियाणा का। मेरा और आपका एक अलग से रिश्ता है कि मैं भी आंदोलनजीवी हूँ और आप भी आंदोलनजीवी हो। मैं फार्मर प्रोटेस्ट से था, आपने तो बहुत से आंदोलन किए। मैं आपसे दो ही सवाल पूछूंगा। आपने सबसे पहले बात की धर्म निरपेक्षता की, सेक्युलरिज्म आपका एक शब्द है जो हम विश्वास करते हैं आप पर, लेकिन ये सेक्युलरिज्म तब आकर पंजाब के अंदर ख़त्म हो जाता है कि जब बात होती है उमर खालिद की और कप्पन के लिए हम लड़ते हैं, हम फार्मर प्रोटेस्ट में उनकी फोटो लेकर बैठते हैं, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बात पर चुप कर जाती है जब प्रोफेसर भुल्लर की आज़ादी की बात आती है, जब हमारे जो कैदी हैं उनकी रिहाई की बात आती है, तब आप यहाँ पर सेकुलरिज्म आकर कहीं ना कहीं कांग्रेस का रुक जाता है। एक सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल हमारा है कि पंजाब के अंदर 1981 के अंदर एक समझौता हुआ था दिल्ली के साथ कि 203 क्यूसक पानी आपको दिया जाएगा, और आज वो बढ़कर 430 क्यूसक पानी के आसपास पहुंच चुका है, लेकिन कांग्रेस चाहे कोई भी हो, चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, वो इस पर बात नहीं करती है कि 20% पानी किसान का काट कर वहाँ पर दिया जा रहा है। और उस समय में 2,80,000 एकड़ के ऊपर खेती होती थी, और अरविंद केजरीवाल जी ने 2017 के बाद इसको सहकृत कर दिया गया है कि आज कानून रूप से वहाँ खेती शून्य पर होती है। ये जो विषय है, आप पानी पर बात नहीं करते, जब सेकुलरिज्म की बात आती है तो कहीं ना कहीं सिख ये बात मानता है कि हमारे ऊपर बात नहीं हो रही है। एक इस पर आप मुझे बताएं, और मुझे इस क्लियर करके बताएं कब जब दिल्ली के अंदर सरकार जाती है, कांग्रेस दिल्ली के अंदर जाकर बोलती है वो अलग बात होती है, वहाँ पर पंजाब के पानी का मुद्दा नहीं होगा, लेकिन पंजाब के अंदर रहती है तो पंजाब के पानी का मुद्दा होता है। किसान आंदोलन लड़ा, मैं पीछे बातें नहीं करूंगा, मैं वो क्रोनोलॉजी में नहीं फंसना चाहता हूं कि कांग्रेस ने क्या किया या और सरकारों ने क्या किया। मैं एक सीधी सी बात पूछना चाहता हूं। स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी, 10 साल UPA सरकार रही, 7 साल से ऊपर NDA के सरकार को हो गया। चुनावी मैनिफेस्टो में था मोदी जी के, हमने प्रश्न किए कि आपने पहली कलम से बोला था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होगी। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, मैं फार्मर का बेटा हूँ, अगर किसान के बेटे आप हो, मैं भी गांव से आता हूँ, आपको हम भी बड़ा दुख होता है कि प्लान शहरों की तरफ हो रहा है, हम उस प्लान को रोकना चाहते हैं, लेकिन वो एक ही संसाधन है स्वामीनाथन की रिपोर्ट जिससे वो रुक सकता है, वो आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन उस प्रश्न को ना उठाने का एक ही कारण लगता है, चाहे वो विपक्षी पार्टी हो, चाहे वो देश की कोई भी पार्टी हो, पैसा उसमें मैटर नहीं करता, कि उसके अंदर क्लियर लिख रखा है कि जितनी भी सरप्लस जमीनें हैं वो सर्कुलेट कर
जिन भूमिहीन किसानों के वो दी जाएं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स के पास, देश के बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के पास, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे बीजेपी से हो, चाहे सीपीएम से, चाहे सपा से हो, तो ये उनके ऊपर है। ये मेरे चंद सवाल हैं। दूसरी बात, न्याय व्यवस्था क्या? ये सवाल ऑर्डर, थैंक यू, आंसर कर लें, फिर अगला पूछेंगे। देखिए, एक तो मुझे ना, जब से मैं कांग्रेस में आया हूँ, कई बार बड़ा बड़ा गर्व का अनुभव होता है कि जहाँ सत्ता में हैं और जहाँ सत्ता में नहीं है, वहाँ भी सवाल हमसे पूछा जाता है। और मेरी माँ जो है, बचपन में एक बात कहती थी, मेरा एक छोटा भाई है, तो होता है भाई आपस में किसी किसी सवाल पे लड़ लेते हैं, तो मेरी माँ कहती है, सुनो, तुमको क्यों समझाते हैं? क्योंकि तुम समझते हो। वो उसको नहीं समझाते हैं क्योंकि वो नहीं समझेगा। तो मैं ना, आप जो सवाल कांग्रेस को लेके पूछते हैं, तो मैं ना उसको बड़ा सकारात्मक तौर पे लेता हूँ कि इसका मतलब लोगों को कांग्रेस से उम्मीद है, तभी तो सवाल पूछ रहे हैं, जबकि पावर में नहीं है, सरकार नहीं चला रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हो या सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो, ऐसे एक दर्जन आयोग की रिपोर्ट है, एक दर्जन। वो शिक्षा को लेकर के बना हुआ है, वो जो है अल्पसंख्यकों की बेहतरी को लेकर के बना हुआ है, प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेशन को इम्प्लीमेंट करने को लेकर के बना है, किसानों को लेकर के बना है, उसके कुछ हिस्से इम्प्लीमेंट हुए हैं। आप जानते हैं, आपको पता है, और आप इस पे चाहें तो हमसे अलग से बहस कर सकते हैं। मैं तो बिहार से आता हूँ, कोई एमएसपी नहीं मिलती है, एपीएमसी वहाँ ख़त्म कर दिया गया है। आप जब यहाँ बॉर्डर पे लड़ रहे थे, मैं जानता हूँ कि बिहार के किसानों से बात करना कितना मुश्किल था। हमने दो वहाँ पे जो है किसान महापंचायत की, दो अलग अलग कोने में, वो ऑर्गेनाइज ही नहीं है। उनको तो लगता है कि एपीएमसी था तो जो है करप्शन हो रहा था, एमएसपी हमको मिलती नहीं है। उल्टे जो है यहाँ आपको मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश से के व्यापारी बिहार के किसानों का चावल और गेहूं समेट के ले जाते हैं, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ इसको, और जो है दूसरे राज्य में ले जाकर के उसको एमएसपी पे बेच देते हैं। तो एमएसपी तो लागू किया ना, कांग्रेस ने ही लागू किया ना। मेरा दावा ही नहीं है कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया है, उस दिशा में हमारा प्रयास दिखता है। प्रयास ये दिखता है कि हमने दो चीजें लागू की हैं, हमको चार चीजें और लागू करनी है, प्रयास दिखता है। आज हमारे सामने प्राथमिकता साहब ये बन गई है कि ये प्रयास आगे बढ़ना तो छोड़ दीजिए, रिवर्स गियर में चल दिया। आपके पास एक घर है, आप उसको रोज प्रयास करते हैं कि हम इसको बेहतर बनाएंगे, बस्ती में आग लग गई, क्या प्राथमिकता होगी आप मुझे बताइए? बस्ती बचाइएगा ना, बस्ती नहीं बचेगी तो घर बचेगा? देश आज उस मुहाने पे जाके खड़ा हो गया है साहब। आप बात करते हैं अल्पसंख्यक की, ठीक है, मैंने याद दिलाया आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात, डॉक्टर मनमोहन सिंह की वो भाषण जो है वो आप सुन करके देखिए, और छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री लेवल का, भाजपा के एक स्पोक्स पर्सन से हमको माफी मंगवा करके दिखवा दीजिए 2002 के लिए। इंटेंशन समझिएगा ना, प्रवृत्ति समझिएगा ना। और इसीलिए तो हम चाहते हैं कि ये लड़ाई एक पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जो है सिर्फ किसी को जो है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना देने का सवाल नहीं है, एज ए कंट्री हम किस दिशा में जाना चाहते हैं वो हम समझने की जरूरत है। आज से पहले मुझे बताइए, जब चुनाव हो रहे थे तो क्या बहस हो रहा था? दूर संचार घोटाला है, 2G 4G, अभी क्या बहस हो रहा है? क्या कौन से गाने बन रहे हैं? ये समाज आगे बढ़ा है कि पीछे गया है, ये समझने की जरूरत है। और प्रश्न जो आपने किया ना कि इस पे बोला गया उस पे नहीं बोला गया, आपने भी बहुत सारे लोगों का नाम छोड़ दिया। मैं खड़ा होकर अगर आपसे नाम पूछने लगूं ना तो आपको नाम नहीं याद होगा। लोग हमसे पूछते हैं उम्र के बारे में, ठीक है, कन्वीनियंटली नाम छोड़ते हैं जानबूझ करके, एजेंडा है ये। और हम ये समझ गए हैं, हम नहीं फंसेंगे इस जाल में, हम सब की बात करेंगे। और कांग्रेस पार्टी की अगर आप बात करते हैं तो इंटरनेट पे आज ही जाकर के सर्च कीजिए और लेटर निकाल लीजिए। ऐसे ही मैं इतना हिम्मत से नहीं बोल रहा हूँ, अगर मुझे सच्चाई का आधार नहीं होता ना तो मैं प्रधानमंत्री हूँ कि थेथराई करके झूठ बोलूँगा? आप आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, आप जो है हर बार किसी भी ड्रेकोनियन लॉ का इस्तेमाल करके अगर किसी सिविल सोसाइटी के मेंबर को जेल में डाला गया है तो कांग्रेस पार्टी ने बोला है। जब मैं जेल में था तो राहुल गांधी जेएनयू नहीं गए थे,
कैसे कहते हैं नहीं बोलते? सवाल यह है कि ये एजेंडा कौन आपके दिमाग में डाल रहा है? ये आपको तय करना है, मुझे नहीं तय करना है। और आपने एक नाम हाईलाइट किया और आप बाकी नाम क्यों छोड़ दिए हैं? और कितने साल से जो है लोग बंद थे, आपने उनका नाम क्यों छोड़ दिया है? मैं बार बार कहता हूं कि रिप्रेजेंटेशन अगर इस देश में कहीं इंप्लीमेंट हुआ है ना सही से, तो जेल में हुआ है। हम चाहते हैं कि जेल में नहीं, न्यायालय में हो, जजों की संख्या में हो, शिक्षकों की संख्या में हो, फैक्ट्रियों में हो, स्कूलों में हो, खेतों में हो। ये मुद्दा होगा तब ना, इसके अराउंड डिस्कोर्स होगा तब ना। डिस्कोर्स कहीं और चला गया है। और जो आपने वो पानी वाला सवाल कहा है, तो मैं उस पर वही कह दूंगा कि आपका दावा हमसे पहले है। मैं उस पर क्या कहूँ, मैं बस यही कह सकता हूँ कि राहुल जी ने साफ शब्दों में, साफ साफ शब्दों में कहा है कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स की अपनी जो है कुछ स्पेशल अधिकार हैं। और जो बार बार बोलते हैं गलत जीएसटी, गलत जीएसटी, तो उसमें वो एक बात ये भी बोल रहे हैं कि आप पैसा वसूल ले रहे हैं, स्टेट को दे ही नहीं रहे। मैं एक आंकड़ा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी हमारी, लेटेस्ट डेटा नहीं है मेरे पास, लेकिन ऑब्वियसली 3 ट्रिलियन से नीचे होगी क्योंकि हमारा ग्रोथ रेट जो है वो माइनस में गया है। 1 ट्रिलियन अकेले महाराष्ट्र का टोटल कैपिटल है। बीएमसी का जितना बजट होता है, हमारे कई स्टेट का बजट नहीं होता है। दिल्ली का बजट ही 65,000 करोड़ का बजट है। आज जीएसटी में क्या हो रहा है कि सेंटर स्टेट का पैसा नहीं दे रही है। जिसके पास अपना रेवेन्यू सिस्टम नहीं है, जैसे मैं बिहार से आता हूं, बिहार में रेवेन्यू प्राप्त करने के लिए कोई सेक्टर ही नहीं है। जैसे बिहार पूरे देश के लिए एक लेबर मार्केट बन गया है, और आप सब पंजाब के लोग हैं, आप जानते हैं, आप सुबह सुबह जाते हैं चाय पी करके, ट्रेन के आने का इंतजार करते हैं, फिर मजदूरों को ऐसे पकड़ करके जो है उसको पिकअप में डालते हैं धान कटवाने के लिए। ये तो आपका एक्सपीरियंस है और हमारा भी एक्सपीरियंस है। वैसे ही भारत को ये पूरी दुनिया का लेबर मार्केट बस बना करके छोड़ देना चाहते हैं। ये प्रोडक्टिव कैपिटल से कंज्यूमरिस्टिक इकोनॉमी की तरफ हमको लेकर के जा रहे हैं कि हम सिर्फ जो है कंज्यूम करेंगे, प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ये एक मेजर चैलेंज है। इस चैलेंज से हम तभी लड़ पाएंगे जब स्टेट की अपनी ऑटोनॉमी होगी, जिसकी बात ऑलरेडी संविधान में की गई है। और आपने जो स्टेट को लेकर के जो कॉन्फ्लिक्ट किए हैं, ऐसे कई स्टेट हैं, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट है, कई जगह पे जो है ये कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन कांग्रेस का अप्रोच और बीजेपी के अप्रोच में यही फर्क है कि हम चाहते हैं कि दोनों पक्ष का बात सुन करके जो सही रास्ता है उसको लिया जाए। ये कोशिश करते हैं कि दोनों के आपस में जितना हो सके उतना लड़ाया जाए। आप किसान आंदोलन में, तो आपने तो इसको महसूस किया होगा कि किस तरीके से जो है सिंघू बॉर्डर पर जो है पंजाब भर से हरियाणा करने का प्रयास किया गया। वो तो किसानों की एकता थी कि वो बच गया, नहीं तो लोकल को जो है आपके खिलाफ करने का कोशिश नहीं किया गया। देखिए, हम सब एक ही नाव के सवार हैं, ठीक है। तू पतवार ठीक से नहीं चला रहा और तू पतवार ठीक से नहीं चला रहा, ये हम तब भी कर लेंगे। पहले नाव में जो छेद हो गया उसको तो बंद कर लें, क्योंकि नाव में छेद हो गया तो कितना भी पतवार चलाएंगे ना, नाव बचने वाला नहीं है। सारे नुआंस जो आप बोल रहे हैं, उस नुआंस को हम ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आज का जो हमारा मुद्दा है ना, उस पर ध्यान रखना चाहिए। और ये बात आप जान लीजिए कि इस देश में किसी भी सिविल राइट का जब अवहेलना होगा, उसके खिलाफ हम बोलेंगे और उसके खिलाफ पूरी कांग्रेस पार्टी बोले, इसीलिए हम इस मंच पे हैं। इस बात का हम आपको भरोसा दिलाते हैं। मैं आखिरी सवाल पे आती हूँ, जो हमारा सबसे छोटा ऑडियंस में बच्चा है वो पूछना चाहता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि मैं अभी क्लास 9th में पढ़ रहा हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ अपनी, और मेरे आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट बन चुका है जैसे कि बेरोजगारी हमारे देश के अंदर बम की तरह फटी है, ये आपने कहा है। और हम, मेरे आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट बन चुका है कि मैंने जाना है फॉरेन और वहाँ पर मैंने अपना वर्क स्टार्ट करना है, क्योंकि मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ और अभी हमारे पास है कांग्रेस सरकार। तो अभी ये एनवायरनमेंट बन चुका है, तो आगे ये एनवायरनमेंट मेरे आसपास कैसा होगा, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। शायद आप सुने होंगे, हमने कुछ बातें की थी इसको लेकर के कि एम्प्लॉयमेंट को लेकर के हमारे सामने 3 तरह की चुनौतियाँ हैं, इकोनॉमिक भी है, सोशल भी है और पॉलिटिकल भी है। इकोनॉमिक चुनौती सबसे बड़ा ये है कि हम मशीन के खिलाफ नहीं हैं, मशीन हमारे जीवन को आसान बनाता है, लेकिन मशीन का इस्तेमाल करके
मजदूरों की संख्या घटाते हैं लेकिन जितना मजदूर रखते हैं ना उससे और ज्यादा काम लेते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर से जब आप जुताई करते हैं तो कम समय में आप ज़्यादा देर जो है खेत में जो है जुताई कर सकते हैं। तो आपने 10 मजदूर निकाल दिए, लेकिन जो 2 मजदूर रखे ना उससे आप पहले 10 घंटा काम ले रहे थे, अब उससे जो है 15 घंटा काम ले रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो एक तो इससे जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, आप मशीन का इस्तेमाल कीजिए लेकिन जो टोटल मुनाफा आप कमा रहे हैं ठीक है तो वो 10 मजदूर को भी रखिए ठीक है ना। अगर 10 मजदूर नहीं भी रख रहे हैं तो कम से कम एक काम का निश्चित घंटा तय कीजिए। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा साइंस बताता है कि हमारे जो 24 घंटे होते हैं ना, 8 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 8 को 3 से 24 होगा ना। तो 8 घंटा आराम का, 8 घंटा काम का और 8 घंटा किसी चीज को क्रिएट करने के लिए, मनोरंजन के लिए, घूमने के लिए, इस तरह से हमारा दिन बटा होना चाहिए। अब कोई इंसान काम ही 16 घंटा करेगा तो आराम कब करेगा, अपने परिवार को जो है कैसे समय देगा? हाँ, मान लीजिए कि आपके पिताजी 16 घंटा काम करके आएंगे तो जो चिढ़ते रहते होंगे आपके ऊपर, अरे अरे पापा ड्यूटी से आए हैं, पता नहीं किसको डांट दें, ये माहौल बना हुआ है घर का, तो ना स्ट्रेस्ड रहता है। तो एक तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, दूसरा क्या हो रहा है कि इस तकनीक का समाज को फायदा मिलना चाहिए, उसके फायदा जो है कुछ मुट्ठी भर लोग नहीं उठाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको, आपने देखा होगा टेलीफोन था पहले, ऐसे कान में लगा करके बात करते थे, फिर मोबाइल आ गया, तो पहले मोबाइल के ना कई सिम होते थे, BSNL है, एयरटेल है, अभी घट करके 2 सिम बचे हैं। तो तकनीक से लोगों के जीवन में चॉइस बढ़ना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि चॉइस जो है लगातार घटता है। कारण क्या है कि जो बड़ी मछली है ना वो और बड़ी होती जा रही है, छोटी छोटी पूंजी को अपने अंदर निगल रही है। आप देखेंगे कि जो छोटे किसान हैं वो किसानी छोड़ रहे हैं, जो छोटे व्यापारी हैं वो व्यापार छोड़ रहे हैं। तो ये जो इकोनॉमी के अंदर डिस्पेरिटी है, जो भेदभाव है, जो ऊंच नीच है, उससे जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। जो सबसे बड़े पूंजीपति हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए जो छोटे छोटे उद्योग धंधा करने वाले लोग हैं उलझलूर नियम कानून उनके ऊपर लाद करके उनका जो रोजगार है वो छीन रहे हैं। जैसे आप देखे होंगे कि फल बेचता होगा आपके बाजार में, अभी लॉकडाउन हुआ तो उनका रोजगार पानी चला गया। इससे पहले जब नोटबंदी हुई तो वो क्या करता है, वो नगद लेकर के जाता है मंडी में, फल खरीद करके लाता है फिर बेचता है। तो आपने जो नोटबंदी की तो बड़े पूंजीपतियों को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, छोटे रोजगार को जो है नुकसान हो गया, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। एक चीज और पूछनी थी आपसे, इससे बचने के लिए, मैं पहले ही बता देता हूँ, इससे बचने के लिए हमको ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी की जरूरत हो जो डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। सरकार जो है सिर्फ 2-4 पूंजीपतियों को बचाने के लिए नहीं, छोटे उद्योग धंधों को बचाने के लिए भी काम करे, छोटे किसानों को भी बचाने के लिए काम करे, ये इकोनॉमिक पॉलिसी होनी चाहिए। साथ ही साथ सबको रोजगार अगर हम ना दे सकें तो टैक्स जो हम जनता से कलेक्ट कर रहे हैं उसकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि उसका एक हिस्सा नौजवानों को भी दिया जा सके ताकि वो सम्मानपूर्वक अपनी ज़िंदगी जी सके। और न्याय योजना जो कांग्रेस पार्टी की है उसमें हम ये घोषणा कर रहे हैं कि हर बेरोजगार को कम से कम 6,000 महीने देना चाहिए ताकि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें कम से कम पूरा कर सकें। मोबाइल रिचार्ज कराने में ही 750 रुपया लगता है, बताइए जो है जीन्स कहाँ से खरीदेगा, पेंट कहाँ से खरीदेगा, बाकी ज़रूरतों को कैसे पूरा करेगा? ये इकोनॉमिक सवाल है। पॉलिटिकल सवाल ये है कि इसको करने के लिए हमारे पास मेजोरिटी होना चाहिए। मेजोरिटी हमारी तभी होगी जब सभी जाति धर्म और समुदाय के लोग मिल करके इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करेंगे। ये ना हो सके इसीलिए धर्म के आधार पर लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है। सोशल प्रॉब्लम ये है कि हमारा समाज जो है ना कई आधार पर बटा हुआ है। ये समस्या जो है वो पूरे समाज की समस्या है, ऐसा नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट का समस्या सिर्फ पंजाब का समस्या है, ये बिहार का भी समस्या है। लेकिन जब किसान आंदोलन हो रहा होगा तो आप टीवी में एक बात सुनते होंगे, जो ईमानदार पत्रकार सब हैं वो बोलते थे कि ये तो सिर्फ पंजाब का आंदोलन है जी, पंजाब का आंदोलन है। तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ पंजाब के किसान परेशान हो रहे हैं, ये तो एक सोशल प्रॉब्लम है ना, इसमें तो बिहार के किसान भी परेशान हो रहे हैं। तो हम अपने घर को बेहतर ना बना करके दुनिया कहाँ घूमते रहेंगे? कहीं भी चले जाएंगे ना, एक बात मैं आपको बता देता हूँ बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, कहीं भी चले जाते हैं ना लोग कहता है बिहारी है, भले हम कहीं नौकरी ले ले, वैसे आप भी कहीं चले जाएंगे ना लोग कहेगा कि सरदार है, लोग कहेगा पंजाबी है। अपना मुल्क छोड़ करके कहाँ जाएंगे साहब,
इसी को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए, इसी को अच्छा और सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सर, आपने ये कहा है हमें कि जो ये धर्म है हमें इसकी तरफ बांटा जा रहा है, और मैंने बस एक सवाल पूछा था, और मैंने आपके टीवी चैनल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर रिप्लाई भी दिया था कि जब एक हमारा प्राइम मिनिस्टर सिख था, जब एक हमारा प्रेसिडेंट मुस्लिम था, तब हिंदू खतरे के बीच नहीं था, और आज मोदी भी हिंदू है, अमित शाह भी हिंदू है, योगी भी हिंदू है, और आज खुलेआम कत्लेआम हो रहे हैं, और आज हिंदू खतरे के बीच है। इसका जवाब मुझे एक बार आप दीजिए। देखिए, हिंदू खतरे में नहीं है, खतरे में वो हर इंसान है जो आज बेरोजगारी से जूझ रहा है, खतरे में वो हर इंसान है जो आज गरीबी से जूझ रहा है, खतरे में वो हर इंसान है जो भेदभाव से जूझ रहा है। ये बात इसलिए बोली जाती है ना, ताकि असली सवाल को गुमराह किया जा सके। लेकिन आप इतनी छोटी उम्र में ये बात समझ गए हैं ना, बड़ों को भी बहुत जल्दी अकल आ जाएगी, चिंता मत कीजिए। असल जो खतरा है देश का, बेकारी, महंगाई और भुखमरी, ये बात लोग समझेंगे, और ये जो समाज को बांटने वाली जो राजनीति है वो एक्सपोज होगी। एक्सपोज इसलिए होगी कि मैंने आपको कहा कि कितना भी झूठ बोला जाए ना, नहीं हो सकता है, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। कन्हैया, आपके साथ बातें करके बहुत अच्छा लगा, आई थिंक हमारी ऑडियंस को भी और जो टीवी पे देखेंगे उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, और बाकी तो जनता सब जानती है और वो ही तय करेगी। हाँ, उनको सब पता है, हम सब बस अपनी अपनी बात करते हैं। मैं जनता से भी यही कहता हूँ कि मेरी बात अगर आपकी बात है ना, तभी आप मेरी बात पे भरोसा कीजिए। पर ये खुली बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, जैसे सवाल भी खुले थे और जवाब भी खुले। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपके सभी दर्शकों को। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।